गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और पढ़ाई करने में मजा आ रहा है आपको। देखो, जो ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर और प्रैक्टिकल रजिस्टर मैं अलग अलग बनवाता हूँ, इसका सिंपल पर्पज है एग्जाम टाइम कि एग्जाम टाइम के अंदर आपको पता हो कि किस रजिस्टर से मुझे कॉन्सेप्ट का रिविजन करना है, और एग्जाम टाइम से पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी ए से मेरा मतलब है वो क्वेश्चंस जो आपके लिए मुश्किल है। जो भी क्वेश्चंस हम करते हैं क्लास के अंदर या फिर जो होमवर्क के रूप में आपको मिलते हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को आप कैटेगरी ए, बी और सी में डिवाइड कर लेंगे। अपने आप लिख लेंगे कैटेगरी ए है, बी है, सी है। क्वेश्चन करते हैं, बहुत डिफिकल्टी फील हुई आपको, बहुत मुश्किल लगा, कैटेगरी ए है आपके लिए। बहुत आसान लगा, कैटेगरी सी है आपके लिए। अगर कुछ पॉइंट मुश्किल है, बाकी क्वेश्चन आसान लगा, कैटेगरी बी है आपके लिए। तो ये ए बी सी में डालने के बाद ना आपको करना क्या है, जो कैटेगरी ए वाला क्वेश्चन है, जब भी आप रिवीजन करेंगे टॉस्टिंग का, तो कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करना, कैटेगरी बी वाले क्वेश्चंस के आंसर को वेरीफाई कर लेना, उनको सॉल्व करने में टाइम मत लगाना। कैटेगरी सी वाले वेरीफाई कर लेना अगर टाइम हो तो, अगर टाइम कम हो तो कैटेगरी सी वाले आप छोड़ भी सकते हो। तो जब बार बार आप रिवीजन करेंगे ना, तो कैटेगरी ए बी और सी में बेनिफिट क्या होगा कि एग्जाम टाइम तक आपको फील होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो हो सकता है अभी क्लास में कैटेगरी बी फील हो, बट धीरे धीरे कैटेगरी सी में चले जाए। कुछ क्वेश्चंस जो आपको अभी कैटेगरी ए फील हो, धीरे धीरे कैटेगरी बी में चले जाए। तो इससे एग्जाम टाइम में क्या होगा, एग्जाम टाइम के अंदर आपको पता होगा कि मुझे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, फिर कैटेगरी ए क्वेश्चन को करना है जो कि बहुत कम हो जाएंगे उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते, और कैटेगरी बी के आंसर को वेरीफाई करना है। और एग्जाम में अगर और टाइम बच जाए तो कैटेगरी सी को भी वेरीफाई कर दो। जो बुक्स मैंने आपको दी है वो बुक्स मोर देन सफिशियंट है, आप 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हो। 99 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 नंबर की बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब, आखिरी का वो एक नंबर ना बहुत मजेदार होता है। देखो, शुरू का एक नंबर लाना बड़ा आसान होता है। आप एग्जाम हॉल में जाओ, आंसर शीट पे कुछ मत लिखो, नाम नंबर रोल नंबर लिखो, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एक नंबर मिल जाएगा, वो देगा आपको एक नंबर। यानी शुरू का एक नंबर लाना बहुत आसान होता है, मगर आखिरी का एक नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है। और ध्यान देना, कॉस्टिंग का ये पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर है, आपके बाकी पेपर्स में आपको एग्रीगेट बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो कॉस्टिंग को आप स्पेसिफिकली ज्यादा प्यार करें, इसको बहुत प्यार करें आप। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लिया, चलिए पढ़ते हैं। टू वर्कर्स ए एंड बी प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल। क्या लिखा है, सेम प्रोडक्ट, अंडरलाइन करो, सेम प्रोडक्ट। मतलब क्या है, अगर मिस्टर ए पेन बनाता है तो मिस्टर बी भी पेन बनाता है। फिर लिखा यूजिंग सेम मटेरियल, अंडरलाइन करो, सेम मटेरियल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सेम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब है सेम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। भाई जब प्रोडक्ट सेम है, मटेरियल भी सेम ही लग रहा है, तो उस को बनाने में जो खर्चा आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो भी सेम होगा। भाई मान लो मेरे पास दो वर्कर हैं, ए और बी। ए बना रहा है पेन, बी बना रहा है पेन, तो दोनों में सेम प्लास्टिक बॉडी, सेम रिफिल, सेम कैप, यानी सेम डायरेक्ट मटेरियल, यानी सेम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम, अंडरलाइन करो वर्ड नॉर्मल। आपको मैंने बताया था नॉर्मल वेज रेट अलग होती है, इफेक्टिव वेज रेट अलग होती है। नॉर्मल मतलब 1 घंटे काम करेगा कितने पैसे देंगे, इफेक्टिव मतलब 1 घंटे काम किया तो कितने पैसे मिले, यानी पहले काम कर चुका है, इफेक्टिव के अंदर पहले काम कर चुका है तो अब निकाल रहे हैं उसे 1 घंटे में कितने पैसे मिले। जैसे 1 घंटे के अंदर कॉस्टिंग के मान लो 5 क्वेश्चन करने चाहिए, तो ये 5 क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल, 1 घंटे में 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, यह है नॉर्मल रेट। लेकिन इफेक्टिव चेक कैसे करूंगा मैं आपको पूछूंगा कि आपने 1 घंटे में कितने क्वेश्चन किए, तो मुझे पता लगा आपने 2 घंटे में 20 क्वेश्चन किए, तो 1 घंटे में कितने हो गए, 10 क्वेश्चन। यानी 1 घंटे में 5 क्वेश्चन करने चाहिए थे, बट आपका इफेक्टिव रेट है 10 क्वेश्चन, क्योंकि 1 घंटे में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए। तो यहां पर लिखा नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम, दोनों का वेज रेट भी सेम है। ठीक है जी, ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन स्कीम, ओके, एंड बी इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू होलसे स्कीम। ए को रोवन, बी को होलसे, दोनों की जो स्कीम है बोनस देने की वो डिफरेंट है। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 50 आवर्स। ध्यान देना जरा, दो वर्कर हैं, कह रहा टाइम अलाउड,
यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है कितना है जी, 50 आवर्स, यानी एक यूनिट को बनाने में 50 घंटे लगने चाहिए थे। फिर लिखा है ए टेक्स 30 आवर्स एंड बी टेक्स 40 आवर्स टू कंप्लीट दी प्रोडक्ट, माइनस कर रहा हूं मैं एक्चुअल टाइम, ए को लगे 30 घंटे, बी को लगे 40 घंटे, टाइम सेव कितना 20 घंटे और यहां पर 10 घंटे। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं यहां तक। आगे बढ़ते, द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज ₹5 पर पर्सन आवर्स एक्चुअली वर्क्ड। ध्यान देना जरा, क्या दिया मैंने आपको, फैक्ट्री ओवरहेड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एफ, एफ मोड एफ फॉर फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना है जी, तो खर्चा दिया हुआ है आपको ₹5 पर आवर एक्चुअली वर्कड, यानी कि जितने घंटे एक्चुअल में काम किया है गुना कर दूं ₹5 से, तो आपका खर्चा आएगा फैक्ट्री ओवरहेड का। क्या है खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा आगे बढ़िए, द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाई ए इज 34290 एंड फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाई बी इज 3600। ध्यान देना मुझे क्या दिया है, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर लिख रहा हूं मैं शॉर्ट के अंदर, फैक्ट्री कॉस्ट ए की कितनी है 3490 और बी की कितनी है 3600। लो जी क्वेश्चन हो गया आपका यहां पर कंप्लीट। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट ये होता क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में आखिर होता क्या है। देखो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों कॉस्ट को कलेक्टिवली बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक और वर्ड से बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। इसके अंदर तीन तरह के खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट लिख दूं यहां पर, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन सारे खर्चों को मैं ऐड कर दूं, छह के छह खर्चों को, तो ये आता है टोटल कॉस्ट, ये आता है मेरा टोटल कॉस्ट। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने बोला इन तीनों खर्चों को टेक्निकली बोलते हैं ओवरहेड, बट ध्यान देना इस ओवरहेड को निकालने का एक और तरीका है, इन ओवरहेड को भी हम मल्टीपल हेड्स में डिवाइड करते हैं। पहली बात तो ओवरहेड का मतलब क्या होता है, तो मतलब है ओवरहेड का सिंपल लेमैन लैंग्वेज के अंदर कॉमन कॉस्ट, यानी वो खर्चा जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के लिए नहीं हुआ है, पूरी फैक्ट्री के लिए, पूरे ऑफिस के लिए, पूरे बिजनेस के लिए, पूरी कंपनी के लिए हुआ है, उसे बोलते हैं कॉमन कॉस्ट। हालांकि इस कॉस्ट को मैं प्रोडक्ट में डिवाइड करूंगा तभी तो आएगी मेरी कॉस्ट पर यूनिट। तो एक पार्ट होता है इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड, मेरा मतलब है जो खर्चा फैक्ट्री में होता है ना कॉमन कॉस्ट का, उसको हम टेक्निकली बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे मशीन का रेंट, मान लो एक कंपनी के अंदर फैक्ट्री है, फैक्ट्री मशीन है, उस मशीन पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट ए बनता है, बी बनता है, सी बनता है, डी बनता है, मशीन हमने किराए पे ली है, तो मशीन का रेंट क्या है मेरा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा। ये कॉमन खर्चा है इसलिए मैंने बोला ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री में हो रहा है इसलिए बोला फैक्ट्री ओवरहेड, समझ गए। दूसरा हेड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, शॉर्ट में लिखा मैंने OH। अब ये खर्चा क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर फिनिश गुड्स बन गया है बट बेचेंगे कहां से, बेचेंगे ऑफिस से, क्यों भाई, ऑफिस में तो ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि कभी भी हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लो अगर आप अपने लिए अंडरगार्मेंट्स भी खरीदने गए तो कहां जाओगे आप, किसी ऑफिस में, किसी शॉप पर, किसी मॉल में, ऐसा थोड़ी है कि आप फैक्ट्री में जाके खरीदोगे, बन कहां रहे हैं फैक्ट्री में, बगैर बिकते कहां पर है, अलग शॉप पर, है ना। तो होता क्या है उस शॉप पर एक काउंटर होता है जहां पर दुकानदार आपको अंडरगार्मेंट देगा, आपसे पैसे लेगा, या कोई शर्ट कपड़ा देगा, आपसे पैसे लेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति मेन काउंटर पर बैठा है वो क्या कर रहा है, पूरे ऑफिस को, पूरी शॉप को मैनेज कर रहा है, वो बिल काट रहा है, एम्प्लॉय से सैलरी पे कर रहा है, तो वहां पर कौन सा खर्चा हुआ, कॉमन खर्चा हुआ। वहां पर सेल्समैन जो काम करता है वो किसके लिए काम कर रहा है, प्रोडक्ट ए के लिए,
सिर्फ नहीं, क्या सिर्फ प्रोडक्ट बी के लिए नहीं, क्या सिर्फ प्रोडक्ट सी के लिए नहीं, वो सभी के सभी प्रोडक्ट बेचने की वहां पे कोशिश कर रहा होगा। कुल मिलाकर ये कॉमन खर्चा है, इसलिए मैंने बोला ओवरहेड। और क्योंकि ये खर्चा ऑफिस में हो रहा है, ऑफिस के सेल्समैन की सैलरी, ऑफिस के सेल्समैन का कमीशन और अकाउंटेंट का कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग कर रहा है, बिल काट रहा है, जीएसटी बिल, नॉन जीएसटी बिल, तो ये खर्चा होता है, इसे बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसका ना एक और हेड होता है, उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता क्या है जी? सेलिंग ओवरहेड होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड का मतलब होता है माल बेचने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट को ही टेक्निकली बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड। देखो एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा कॉमन है, कोई भी कंपनी अगर अपने चार प्रोडक्ट बनाती है, चारों को ऐड करेगी, तो यहां पर क्या होगा, खर्चा है कॉमन। और किसके लिए कर रहे हैं हम? प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो उसे टेक्निकली बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड। भाई मैंने क्लासेस बना दी है ना, लेकिन मुझे मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, तभी तो स्टूडेंट को पता पड़ेगा कि भाई मैं ये क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ये क्या है? सेलिंग ओवरहेड। अच्छा अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। भाई जब मैंने सेलिंग ओवरहेड किया, मैंने एडवर्टीजमेंट किया, तो मेरे पास क्या आएंगे? ऑर्डर आएंगे। जब ऑर्डर आएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन, वैन्स को हायर करना पड़ेगा, कुरियर कंपनी को हायर करना पड़ेगा, उनके थ्रू डिस्पैच करने पड़ेंगे बुक्स को, तो ये खर्चा होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ध्यान दीजिए, ओवरहेड को हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो कहते ही हैं, ओवरहेड को हम फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो ध्यान देना, इनडायरेक्ट कॉस्ट को निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एक तरीका और इसको निकालने का, और वो क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो दो फॉर्मूले हो गए, इसी को टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर ओवरहेड भी कहते हैं। समझ में आई बात यहां तक? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया यहां पर, आई बात समझ में? अब जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, बोला गया है ना सेम मटेरियल। अच्छा इस क्वेश्चन में हमें ये भी दिया गया है, बोला गया नॉर्मल अवेलेबिलिटी सेम, इतने घंटे लगने चाहिए थे, इतने घंटे लगे, इतने घंटे बचे, रोवन से पे करते हैं, होलसेल से पे करते हैं, और हमें साथ में दिया गया है फैक्ट्री ओवरहेड। हमें तीन खर्चे यहां पे दिए गए हैं, तो हम ये मान लेंगे बाकी खर्चे इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो जीरो है। क्या मान लेंगे हम? जीरो है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसमें ऐड कर दूं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसमें ऐड कर दूं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इसमें ऐड कर दूं फैक्ट्री ओवरहेड, यानी सिर्फ पहले वाला ओवरहेड, तो इन चारों खर्चों को टेक्निकली बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट। अब जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है और ये दिया है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में कितना है? जीरो। यानी हमारी इक्वेशन क्या बन गई? अब हमारी इक्वेशन बन गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। अगर यहां तक आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, लीजिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आप नोट कर लीजिए। यहां पे नई चीज क्या थी? सिर्फ और सिर्फ ये, जहां पर मैंने ओवरहेड को फंक्शंस के बेस पे डिवाइड किया, फंक्शन बोले तो काम, फैक्ट्री में काम हो रहा है, ऑफिस में काम हो रहा है, सेलिंग का काम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, जब मैं कॉमन कॉस्ट को काम के बेस पे डिवाइड करता हूं तो तीन हेड बनते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब आ गई इस क्वेश्चन की बात, चलिए हो गया जी नोट, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बता दिया है। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास दो वर्कर हैं ए
और बी। क्वेश्चन ने मुझे बोला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दोनों का सेम है। क्वेश्चन ने मुझे बोला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दोनों का सेम है, बट कितना है मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा, तो मैंने इसे एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम्ड एज रुपीज एम, इसको मैं एम मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा रुपीज एम, ये कितना हो जाएगा रुपीज एम। ठीक है जी, फिर बात करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है जी, और ये बताएगा ए को मिलता है एज पर रोवन और बी को मिलता है एज पर होलसेल, तो ये निकालेंगे हम। अच्छा, क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया है? हाँ दिया गया। क्या बोला? ₹5 एट द रेट ₹5 पर आर एक्चुअली वर्क, इस वर्ड पे जरूर ध्यान देना एक्चुअली वर्क। तो बताओ जरा ए ने कितने घंटे एक्चुअल में काम किया है? ए ने काम किया है 30 घंटे, तो भाई 30 घंटे गुना 5 यानी खर्चा हो गया ₹150। ऑलराइट, उसके बाद बी ने काम किया है 40 घंटे, तो 40 घंटे गुना 5 तो ये हो गया आपका ₹200। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है? हाँ जी गिवन है। कितना है? 3490 और 3600। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। आइए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आइए सबसे पहले बात करता हूं, निकालूंगा टोटल वेजेस। सबसे पहले बात करूंगा मैं मिस्टर ए की, तो ए को पे करते हैं एज पर रोवन। तो फॉर्मूला क्या है जी? आवर्स वर्कड, कितने घंटे काम किया, गुना वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड गुना वेज रेट गुना, क्या था ट्रिक याद करने की? टाइम, आर टी ए रटा, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। ये टेक्निक से जरूर याद कर लेना, जो तो टेक्निक मैंने बताई है आपको। एग्जाम के अंदर बच्चे कई बार एग्जाम के स्ट्रेस में आकर इसको उल्टा लिख देते हैं, आंसर गलत आ जाएगा। तो मिस्टर ए ने काम किया है जी कितने घंटे? 30 घंटे काम किया। आओ कितना है वेज रेट बताओ, नॉर्मल वेज रेट क्या है? तो भाई नॉर्मल वेज रेट तो क्वेश्चन ने दिया नहीं है, तो यहां पे लिखा मैंने नॉर्मल वेज रेट, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं रुपीज डब्ल्यू पर आर, ये मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, एज्यूम डब्ल्यू पर आर, तो 30 घंटे गुना डब्ल्यू प्लस टाइम कितना बचाया? तो भाई 50 घंटे लगने चाहिए थे, 30 घंटे लगे गुना डब्ल्यू। अच्छा, टाइम टेकन कितना? 30, अलाउड कितना? 50, कर लो सॉल्व। तो 12 प्लस 30 ये आ गया आपका 42 W, ये आ गया आपका 42 W, तो यहां पे लिख दूं क्या? 42 W, आई बात समझ में? 42 W। अब इसके बाद निकालूंगा मिस्टर बी की, मिस्टर बी के लिए फॉलो करते हैं हॉल से। एग्जाम में क्या सर फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ेगी? आप एग्जाम में यार फॉर्मूला लिख ही देना, आप कोई नंबर ना काट ले यार चेकर। आवर्स वर्कड गुना वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड गुना वेज रेट गुना 50%। एग्जाम में क्या सर शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकता हूं? एब्रीविएशंस का मत करो तो बेहतर है। आवर्स वर्कड, इसने काम किया 40 घंटे, रेट कितना? W, क्वेश्चन ने बोला था सेम रहेगा। अच्छा कितने घंटे बचाए? तो 50 माइनस 40 गुना W गुना 50%, तो निकालो भाई 10 का 50 हो गया 5W प्लस 40, ये हो गया 45W। सिंपल है, 45W लिख दूं ऊपर, तो यहां पे लिख दिया मैंने 45W। तो क्या लगता है आपको, बन गई क्वेश्चन? देखो M प्लस 45W प्लस 150 इक्वल टू 3490, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बन गई M प्लस 45W प्लस 200 प्लस इक्वल टू 3600, प्लस नहीं इक्वल टू 3600, तो बन गई दो इक्वेशन। इन दो इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व कर लूंगा, M और W की वैल्यू निकाल लूंगा। आइए पहली इक्वेशन क्या है, M प्लस 42W प्लस 150 इक्वल टू 3490, इसको बोलता हूं इक्वेशन 1।
फिर अगला है एम प्लस 45W प्लस 200 इक्वल टू 3600। ये है मेरी इक्वेशन टू, सॉल्व करना है मुझे। तो मैं कर रहा हूं ऑन रिड्यूसिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपने क्लास 10th में सीखी होगी, वी गेट। तो भाई एम इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से घटा दें। तो आइए, इक्वेशन टू है एम प्लस 45W प्लस 200। अब मुझे घटाना है एम वन को, तो माइनस एम माइनस 42W माइनस 150 इज इक्वल टू 3600 माइनस 3490। तो भाई एम से तो एम कट गया और ये बचा 3W, फिर ये हो गया 50, इसके बाद 3600 माइनस 3490 ये हो गया आपका 110। तो W बराबर क्या हो गया, 110 माइनस 50 डिवाइड बाई 3, तो माइनस 50 डिवाइड बाई 3। तो लो जी आपका नॉर्मल वेजेट आ गया ₹20 पर आर। ये क्या है मेरा नॉर्मल वेज रेट। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर वन था ये। ये क्या था, रिक्वायरमेंट नंबर वन। तो ये क्या है, सॉल्यूशन टू रिक्वायरमेंट नंबर वन। लो जी नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, नॉर्मल वेज रेट कितना आ गया मेरा ₹20 पर आवर, ₹20 पर आवर, 1 घंटे के ₹20 नॉर्मल रेट है। अगला मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कंप्यूट द मटेरियल कॉस्ट, यानी मुझे निकालना है एम। देखो डब्ल्यू मेरे पास आ गया है, तो डब्ल्यू को चाहे इक्वेशन वन में रख दो चाहे इक्वेशन टू में रख दो, एम की वैल्यू आ जाएगी और एम की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। सॉरी, तो भाई आइए लिखता हूं यहां पर, ऑन पुटिंग डब्ल्यू एज 20 वी गेट, ऑन पुटिंग डब्ल्यू 20 इन इक्वेशन वन कर देता हूं, इक्वेशन तो लिखा ही मैंने यहां पर इक्वेशन वन। इन इक्वेशन वन वी गेट, तो भाई इक्वेशन वन क्या थी, एम प्लस 42 डब्ल्यू प्लस 150 इक्वल टू 3490। तो भाई एम निकालना है, डब्ल्यू कितना है 20, तो एम बराबर क्या हो गया 3490 माइनस, ये आ गया जी ₹2500। यह है सॉल्यूशन टू रिक्वायरमेंट नंबर टू। कब वाला था क्वेश्चन है, कंप्यूट द मटेरियल कॉस्ट, निकाल दिया मटेरियल कॉस्ट। अब आइए समझ में आ रही है बात, नोट करते हो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायरमेंट नंबर थ्री, यह था रिक्वायरमेंट नंबर टू का आंसर, सॉल्यूशन टू रिक्वायरमेंट नंबर टू। अब आइए रिक्वायरमेंट नंबर तीन, क्या बोला कमेंट नंबर तीन ने, इसने क्या बोला, स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज मेड बाय टू वर्कर। तो मुझे क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। आओ भाई ये रहा ए ये रहा बी, सबसे पहले क्या आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो कितना है ये ₹2500, तो 2500 ये आ गया, 2500 ये आ गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो कितना है ये 42W, तो 42 गुना 20, और ये कितना है 45W, तो 45 गुना 20, तो कितना आ गया ये 840 और ये 900। इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड, ये कितना है 150 और ये कितना है 200, टोटल कितना आना चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट 3490 और 3600। आओ टैली कर लेते हैं भाई, तो 2500 प्लस 840 प्लस 150 टैली हो गया पहले वाला, फिर 2500 प्लस 900 प्लस 200 3600, ये भी टैली हो गया। लो जी क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका दे दना दन दन कंप्लीट हो गया जी। अब ये क्वेश्चन कैटेगरी ए है बी है सी है, ये आप देख लो, कैटेगरी ए लगता है तो कैटेगरी ए में डालो, कैटेगरी बी लगता है कैटेगरी बी में डालो, किसी और की कैटेगरी को आपने कॉपी नहीं करना है, आपने अपने हिसाब से सोचना है आपके लिए क्या है। ये कैटेगरी ए है तो ए है, बी है तो बी है, टेंशन की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जब आप रिविजन करते जाओगे कैटेगरी ए से बी में आ जाएगा, बी से सी में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यू आर गिवन दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए वर्कर। नेम ऑफ वर्कर मिस्टर रॉगर, बड़ा यूनिक नाम है मिस्टर रॉगर। वैसे आज के डेट में नाम तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं ना स्टूडेंट बच्चों के, नए नए बच्चों के नाम देखे होंगे आपने, बफी कफी अजीब से नाम होते हैं यार। टिकट नंबर है 002। वर्क स्टार्टेड, अंडरलाइन करो, 1/4/2014 सुबह 8 बजे, 1/4/2014 सुबह 8 बजे। अच्छा ध्यान देना जरा, 1/4 सुबह 8 बजे, ओके 8 AM लिख देता हूं यहां पर। फिर लिखा वर्क फिनिश्ड 5/4/2014 at 12 noon, तो ध्यान दो, 1 तारीख को काम किया, 2 को काम किया, 3 को काम किया, 4 को काम किया, 5 को काम किया, लेकिन यहां पर कब खत्म कर दिया काम, 12 noon। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। वर्क अलॉटेड प्रोडक्शन ऑफ 2160 यूनिट, हमने क्या बोला था आपको 2160 यूनिट बनानी है, ठीक है। वर्क डन एंड अप्रूव्ड, इन्होंने काम किया कितना है, 2000 यूनिट इन्होंने एक्चुअल में बनाई है। ये क्या है हमारा एक्चुअल आउटपुट, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो एक्चुअल आउटपुट। टाइम एंड यूनिट्स अलाउड, ध्यान देना 40 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 40 यूनिट बन जानी चाहिए। वर्ड अलाउड से क्या पता लग रहा है मुझे, यह है मेरा स्टैंडर्ड टाइम, यानी 1 घंटे में 40 यूनिट बन जानी चाहिए। फिर गिवन है वेज रेट ₹25 पर आवर, क्वेश्चन ने बताया नहीं, नॉर्मल है कि इफेक्टिव, जब क्वेश्चन कुछ ना बोले नॉर्मल है कि इफेक्टिव, तो क्या मानेंगे, नॉर्मल है, इसको लिख सकते हैं आप ब्रैकेट लगे नॉर्मल। फिर लिखा है मिस्टर रॉगर, रॉगर कह लू रॉगर ही ठीक है, मिस्टर रॉगर वर्कड 9 आवर्स a day, 1 दिन में 9 घंटे काम करते हैं ये, तो ध्यान दो जरा यहां कितना काम किया इन्होंने, 9 घंटे, सुबह 8 बजे काम चालू कर दिया था। अच्छा यहां कितना काम किया, 9 घंटे, यहां कितना काम किया, 9 घंटे, 4 तारीख कितना काम किया, 9 घंटे। अच्छा 5 तारीख कितना घंटा काम किया, सुबह 8 बजे चालू करते हैं तो 8, 9, 10, 11, 12, यानी 4 घंटे काम किया। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एक्चुअल टाइम कितना है, तो क्या बोलोगे आप, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4, कितना आ गया ये, 9 चौक 36 और 4 40 घंटे, बताओ कोई कंफ्यूजन, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने 40 घंटे काम किया। फिर बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिम्यूनरेशन ऑफ मिस्टर रॉजर रॉगर ऑन द फॉलोइंग बेसिस, एक हॉल से एक रोवर, हमें क्या निकालनी है, इन्हें कितनी रिम्यूनरेशन मिलेगी। देखो कितनी रिम्यूनरेशन मिलेगी वर्कर को, वर्कर ने कितनी अर्निंग करी, वर्कर को कितनी वेजेस मिलेगी, सबका एक ही मतलब, ठीक है। तो मुझे एज पर बोनस स्कीम टोटल वेरियस निकालने के लिए 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक स्टैंडर्ड टाइम, दूसरी एक्चुअल टाइम, तीसरी नॉर्मल वेज रेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल टाइम मैंने निकाल लिया है इंफॉर्मेशन नंबर 2, नॉर्मल वेज रेट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है ₹25 पर घंटा, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है स्टैंडर्ड टाइम। तो ध्यान देना जरा, यही इसके अंदर बस यूनिक है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब था स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये बताया था मैंने आपको, काम कितना दिया इससे कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए कितना काम किया उसमें कितना समय लगना चाहिए था, भाई बेस सेम होना चाहिए ना, इन्होंने बनाए 2000 यूनिट्स तो 2000 यूनिट्स को बनाने में कितना समय लगना चाहिए था माइनस कितना समय लगा, इसी को बोलेंगे टाइम सेव्ड। तो भाई इन्होंने बनाई कितनी है, इन्होंने बनाई है 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स इन्होंने बनाई है, और एक को बनाने में 40 यूनिट लगने, एक को बनाने में 1 घंटे में 40 यूनिट बननी चाहिए थी, 40 यूनिट्स पर आवर, ये कितना हो गया 50 आवर। इस क्वेश्चन के अंदर 2160 यूनिट वाले इंफॉर्मेशन का कोई इस्तेमाल नहीं है, क्वेश्चन हमेशा हमें रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है, क्वेश्चन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी देगा जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नहीं होगा, तो हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है और कौन सी इंफॉर्मेशन बेकार है, बेकार इंफॉर्मेशन को हम नजरअंदाज करेंगे, काम की इंफॉर्मेशन फोकस करेंगे और जो क्वेश्चन ने पूछा उसको सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ू, यहां तक नोट कर लिया आपने, अब मैं निकाल रहा हूं टोटल रिम्यूनरेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने REM, टोटल रिम्यूनरेशन, पहले निकालूंगा एज पर हॉल से और दूसरा निकालता हूं एज पर रोवर, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, अब आप लिख लेना हॉल से फॉर्मूला क्या है, कितने घंटे काम किया, 40 घंटे काम किया, क्या वेज रेट है,
25 रुपये का फीस रेट है। कितने घंटे बचाए? तो भाई कितने घंटे लगने चाहिए थे? 50 घंटे लगने चाहिए थे, 40 घंटे लगे, 10 घंटे बचाए। क्या वेज रेट है? 25 रुपये। कितना बोनस मिलेगा? 50%। कर लो सॉल्व, आ गया आंसर। ये आ गया मेरा 1125। अब आते हैं एज पर रोवन, कितने घंटे काम किया? 40 घंटे काम किया। तो जो काम किया उसके बदले तो मिल जाएगा 40 गुना 25। अच्छा, जो बचाया उसके लिए क्या मिलेगा? बोनस। यहां पे रेशियो क्या होता है? टाइम टेकन बटा टाइम अलाउड। तो टेकन कितना है जी? 40। अलाउड कितना है जी? 50। तो निकाल लो। तो यहां पर आ गया मेरा आंसर 1200 रुपये। तो लो जी, आपका ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 31 भी यहां पर हो गया है कंप्लीट। कैटेगरी ए क्वेश्चन था या बी क्वेश्चन था, आप सोच सकते हो। वैसे कैटेगरी बी है ये मेरे हिसाब से। इसमें मैं सिर्फ एक ही पॉइंट है जो आपको याद रखना है, और वो याद रखना है कि जो वर्क अलॉटेड है ना वो किसी काम का नहीं है। हमें स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए एक्चुअल आउटपुट से मतलब है, बाकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेकार है। बजटेड प्रोडक्शन क्या? बजटेड प्रोडक्शन बेकार है। वर्क अलॉटेड बेकार है। प्लैंड प्रोडक्शन बेकार है। तो इस क्वेश्चन में बस यही सीखने की बात है। इस क्वेश्चन के लिए इंफॉर्मेशन बेकार थी। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो कैटेगरी बी था ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अब बाकी आप देख लो, अगर कैटेगरी ए भी आ रहा है तो शर्म की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कैटेगरी बी में आ जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन कैटेगरी ए क्वेश्चन है, ये पहले से बता रहा हूं मैं आप, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं। द फिनिशिंग शॉप ऑफ ए कंपनी इंप्लॉयज 60 डायरेक्ट वर्कर। अंडरलाइन करो 60, फिर अंडरलाइन करो डायरेक्ट। क्या मतलब है डायरेक्ट का? ये वो वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन में काम करते हैं। प्रोडक्शन बढ़ने पर इनको दी जाने वाली वेजेस बढ़ जाएंगी, प्रोडक्शन घटने पर इनको दी जाने वाली वेजेस कम हो जाएंगी। तो इस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? 60 डायरेक्ट वर्कर काम करते हैं। ओके, ईच वर्कर इज पेड ₹400 एज वेजेस पर वीक ऑफ 40 आवर्स। ये क्या गिवन है मेरे को? एक हफ्ता यहां पर 40 घंटे काम करना है, उसके बदले 400 रुपये मिलते हैं। यानी पूरे हफ्ते में 40 घंटे काम करो, कितने पैसे मिल जाएंगे आपको? 400 रुपये। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप नॉर्मल वेज रेट पर आवर निकाल सकते हो? सिंपल है यार, 400 रुपये दे रहा हूं मैं 40 घंटे, कितना हो गया मेरा पर आवर? 10 रुपये। आओ, वेन नेसेसरी, अंडरलाइन करो वर्ड वेन नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो। ओवर टाइम इज वर्कड अप टू मैक्सिमम 15 आवर्स पर वीक पर वर्कर एट टाइम रेट प्लस 1/2 एज प्रीमियम। क्या मतलब है इस लाइन का? क्या बोलता है? ओवर टाइम इज वर्कड 15 पर आवर्स। अच्छा, पहली बात तो ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? ओवर टाइम का मतलब है नॉर्मल टाइम के अलावा काम करना। मान लो किसी कंपनी का नॉर्मल टाइम है 9 to 5, सुबह 9 बजे आ जाओ, शाम को 5 बजे नमस्ते बोल जाओ, मान लो 9 to 5 की जॉब है। लेकिन अगर वर्कर को 9 से पहले काम करना पड़ता है आकर, और शाम को 5 बजे के बाद रुककर काम करना पड़ता है, यानी नॉर्मल टाइम में तो वो काम कर ही रहा है, उसके अलावा ओवर टाइम भी कर रहा है। संडे के दिन भी उसको मैंने बुला लिया, अरे यार दशरथ यार ये महीने में बहुत काम है यार क्लाइंट का, आ जाना भाई ऑफिस, आ जाना संडे को भी, पेमेंट कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ऑफिस आ जाना। तो ये क्या है मेरा? ओवर टाइम। तो इस क्वेश्चन ने बोला है कि भाई अगर ओवर टाइम करना पड़ा, ओवर टाइम करना पड़ा मतलब अगर काम ज्यादा हुआ, नॉर्मल टाइम में खत्म नहीं हुआ, ओवर टाइम करना की रिक्वायरमेंट फील हुई तो करेंगे ओवर टाइम, जबरदस्ती नहीं करेंगे कि वर्कर को शाम को बिठा के रखो। ना ना बाबा ना, फालतू फंड की कॉस्ट कौन करे बियर है? फालतू पैसे क्यों दे उनको हम? तो काम ओवर टाइम में तभी करवाएंगे जब ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वेश्चन है बोला अगर जरूरत पड़े तो ओवर टाइम करा सकते हैं, तो कितना? तो यहां पर लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स। तो देखो कितने वर्कर हैं जी? 60 वर्कर हैं, 60W, W मतलब वर्कर, और कितना होगा मैक्सिमम? 15 घंटे। इसका मतलब है अगर कभी जरूरत भी पड़ गई तो एक हफ्ते में मैं सिर्फ
मैं मैक्सिमम 900 घंटे का ओवर टाइम करा सकता हूं, यानी मैक्सिमम 900 घंटे हैं, 900 घंटे से कम करानी तो गवर्नमेंट है। अगर मान लो रिक्वायरमेंट मेरी सिर्फ 200 घंटे ओवर टाइम की है तो 200 करवाऊंगा ना यार, 900 क्यों करवाऊंगा। रिक्वायरमेंट मेरी 300 घंटे में पूरी हो जाएगी तो 300 कराऊंगा ओवर टाइम, 900 क्यों करवाऊंगा। तो मैक्सिमम है 900, यानी 900 से ऊपर घंटों का ओवर टाइम उनसे एक हफ्ते में नहीं करवा पाऊंगा, मैक्सिमम है 900। अच्छा, ओवर टाइम वेज रेट, ध्यान देना जरा, एक नया टर्म आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर, ओवर टाइम वेज रेट। एक होता है नॉर्मल वेज रेट जो कि आपको 10 रुपए दे रखा है, एक होता है इफेक्टिव वेज रेट जो कि मैंने समझा रखा है आपको। अब एक आ गया आपका ओवर टाइम वेज रेट, मतलब जब वर्कर से मैं नॉर्मल टाइम के अलावा काम करवाता हूँ ना, तो वो मुझसे बोलते हैं सर ओवर टाइम पे ना कुछ एक्स्ट्रा पे करो, काम करने का मन नहीं कर रहा सर, कुछ एक्स्ट्रा पे करो, मैं थक गया हूँ 9 से 5 करते करते, अब मैं शाम में रुक के काम करूँ सर, थोड़ा सा मुझे ना ओवर टाइम पे करो, तभी करूंगा सर काम। मैंने कहा भाई ठीक है यार, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट टाइम रेट प्लस 1/2 एज प्रीमियम, यानी 10 रुपए तो नॉर्मल रेट है ही मेरा, प्लस 10 रुपए का 50%, यानी हाफ बोला ना, एक्स्ट्रा पे करूंगा, यानी ओवर टाइम में पे करूंगा 15 रुपए पर आवर, ओवर टाइम में पे करूंगा 15 रुपए पर आवर। ठीक है मामला, आगे बढ़ते हैं। द करंट आउटपुट ऑन एन एवरेज इज 6 यूनिट पर मैन आवर विच मे बी रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड आउटपुट। अंडरलाइन करो वर्ड करंट आउटपुट, करंट यानी एट प्रेजेंट एक घंटे में 6 यूनिट्स बननी चाहिए, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं करंट स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 6 यूनिट्स पर आवर। क्वेश्चन ने दे रखा है मेरे को करंट, यानी अभी हम ऐसा मानते हैं कि एक घंटे में 6 यूनिट्स बन जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है इफ बोनस स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड, अंडरलाइन करो वर्ड इफ, यदि अगर हमें बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, इफ बोनस स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउटपुट विल इंक्रीज टू 8 यूनिट्स पर मैन आवर। क्या समझे, अगर हमने कोई बोनस स्कीम अगर हमने कोई बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करी, हॉल से रोवन दो स्कीम है, अगर हमने अपनी कंपनी में कोई बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करी तो उससे हमारे एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएंगे और उस केस के अंदर हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट अंडर बोनस स्कीम कितना होना चाहिए, तो लिखा 8 यूनिट्स पर आवर। अभी बनाने चाहिए एक घंटे में 6, लेकिन अगर बोनस स्कीम डाल दी तो भाई वो एक घंटे में 8 बनाने चाहिए, उनकी आउटपुट बढ़ जाएगा, वो लोग मोटिवेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते, द वर्कर्स विल इफ नेसेसरी कंटिन्यू टू वर्क ओवर टाइम अप टू स्पेसिफाइड लिमिट ऑल्दो नो प्रीमियम ऑन इंसेंटिव विल बी पेड। क्या मतलब इस लाइन का, ये कह रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो वर्कर्स को अभी भी हम करवाएंगे ओवर टाइम अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, और वो लिमिट कितनी है, 900 घंटे पर वीक जो निकाली अभी हमने, 900 घंटे पर वीक, यानी कि रिक्वायरमेंट अगर है तो 900 घंटे तक अभी हम उनसे क्या करवाते हैं, ओवर टाइम। ऑल्दो नो प्रीमियम ऑन इंसेंटिव विल बी पेड, क्या मतलब लिखा, नो प्रीमियम ऑन इंसेंटिव, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ टाइम सेव तो करेंगे नहीं, यहां पर करंटली चल रहा है ये वाला कार्यक्रम, करंटली कोई चल रही स्कीम इसके अंदर नहीं, क्या करंटली कोई बोनस स्कीम कंपनी ने इंप्लीमेंट कर रखी है, आंसर इज नो। तो अभी सिर्फ क्या पे हो सकता है, ओवर टाइम। बोनस की बात कब होगी, जब कंपनी स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी, जब कंपनी स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे, द कंपनी इज कंसीडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ आइदर होलसेल स्कीम और रोवन स्कीम ऑफ वेज इंसेंटिव सिस्टम, सोच रहे हैं होलसेल लगाएं या रोवन लगाएं। द बजटेड वीकली आउटपुट इज 19,200 यूनिट, हम सोच रहे हैं अभी 19,200 यूनिट्स हर वीक में बनना चाहिए, यह बजटेड। ओके, सेलिंग प्राइस इज ₹11 पर यूनिट, कितने का बेचेंगे हम एक प्रोडक्ट, ₹11 पर यूनिट का। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ₹8 पर यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन है द वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड अमाउंट टू ₹0.50 पर डायरेक्ट लेबर आर एंड फिक्स ओवर हेड इज ₹9,000 पर वीक। तब आपके मन में आ रहा होगा सर ये फैक्ट्री ओवर हेड वेरिएबल, सॉरी फैक्ट्री नहीं, ये वेरिएबल ओवर हेड और फिक्स ओवर हेड का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको पता है ओवर हेड को हम तीन कैटेगरी में तोड़ते हैं,
एक है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ओवरहेड को हम इसके अलावा दो कैटेगरी में और तोड़ते हैं। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड और एक होता है फिक्स ओवरहेड। रुक जाइए जरा, इसको मैं इलाबोरेट करता हूं। और एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी, ये रहा ओवरहेड। मैंने बोला ओवरहेड को हम तीन कैटेगरी में तोड़ते हैं। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड शॉर्ट में लिखा, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इन सभी ओवरहेड को ना हम दो कैटेगरी में तोड़ सकते हैं, कितना पार्ट वेरिएबल है और कितना पार्ट फिक्स्ड है। समझ गए? कितना पार्ट वेरिएबल है, कितना पार्ट फिक्स्ड है। यहां पर भी कितना पार्ट वेरिएबल है और कितना पार्ट फिक्स्ड है। क्या मतलब है वेरिएबल और फिक्स्ड? तो ध्यान देना जरा, हम सभी खर्चों को, सभी कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स। वेरिएबल मतलब जो वेरी करेगा विद प्रोडक्शन, और फिक्स मतलब जो फिक्स रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल ओवरहेड दिया है। क्या दिया है? वेरिएबल ओवरहेड। तो उस वेरिएबल ओवरहेड के अंदर है दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों वेरिएबल पार्ट जुड़े हुए। और एक दिया आपको फिक्स ओवरहेड, तो उसमें जुड़ा हुआ है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स ऑफिस एडमिन, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ गए आप, ओवरहेड को इन्होंने वेरिएबिलिटी के बेस पर डिवाइड कर दिया है, और क्वेश्चन में दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ओवरहेड मतलब होता है कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट दे रखी है आपको, उसको दो कैटेगरी में तोड़ दिया। इतना पार्ट वेरिएबल है, यह है पर डायरेक्ट लेबर आर, गिवन है 50 पैसे पर डायरेक्ट लेबर आर, और फिक्स कितना है 9,000 पर वीक। सिंपल सी बात है यार, अगर मुझे कंपनी का प्रॉफिट निकालना, कैसे निकालूंगा? सेल्स माइनस सारे खर्चे, आ गया प्रॉफिट। क्या होता है प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट, तो सेल्स माइनस सारे खर्चे। तो खर्चे क्या क्या है यहां पर? एक खर्चा है डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, एक खर्चा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक खर्चा है वेरिएबल ओवरहेड, और एक खर्चा है फिक्स ओवरहेड। आपका आ जाएगा प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में इतना इस्तेमाल है बस कॉन्सेप्ट का। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द इफेक्ट ऑन कंपनीज वीकली प्रॉफिट, अंडरलाइन करो प्रॉफिट, ऑफ द प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस होलसेल स्कीम एंड बी रोवन स्कीम। अगर कंपनी होलसेल स्कीम को इंप्लीमेंट करे तो प्रॉफिट में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बताओ। अगर रोवन स्कीम को इंप्लीमेंट करे तो बताओ वीकली प्रॉफिट में इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, बताओ। तो कुल मिलाकर मुझे क्या निकालना है यहां पर? ध्यान देना, मुझे यहां पर निकालना है करंट प्रॉफिट। अगर कोई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं करें तो कितना प्रॉफिट होगा? दूसरा, अगर होलसेल स्कीम इंप्लीमेंट करें तो कितना प्रॉफिट होगा? तीसरा, अगर रोवन स्कीम इंप्लीमेंट करें तो कितना प्रॉफिट होगा? मुझे ये निकालना है। ठीक है, चलिए तो बनाता हूं मैं स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट है वीकली, क्योंकि हमें प्रोडक्शन वीकली ही दिया हुआ है। आओ, तो भाई तीन है यहां पर सिनेरियो। एक तो क्या है? नो स्कीम। एक सिनेरियो आपका होलसेल और एक सिनेरियो आपका रोवन। सिंपल सी बात है। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सारे खर्चे, यानी कि सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, माइनस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, माइनस वेरिएबल ओवरहेड, और माइनस फिक्स ओवरहेड। माइनस फिक्स ओवरहेड क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट। सिंपल है जी। अच्छा, पूरे वीक के अंदर कितना प्रोडक्शन करना है हमारे को? 19,200 यूनिट का। ध्यान देना, कितना करना है प्रोडक्शन? 19,200 यूनिट्स का। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर मुझे ये नहीं बताया गया कि बिकेंगी कितनी, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि जितनी हम बनाएंगे उतनी हम बेच देंगे। तो भाई देखो, 19,200 यूनिट हम बनाकर बेचेंगे, और सेलिंग प्राइस है मेरा ₹11 पर यूनिट। तो कितना सेल्स हो जाएगा? 19,200 गुना 11, तो ये आ गया 21120।
सेल्स कितनी होगी? सेम ही होगी भाई, 21120। सेल्स कितनी होगी? सेम ही होगी, क्योंकि इस स्कीम का कोई फर्क सेल पे तो पड़ेगा नहीं, सेम। अच्छा, फिर लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन ने मुझे बोला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 8 रुपए पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा? 8 रुपए का, तो मैं बना रहा हूं 19200, तो 19200 गुना 8 कितना खर्चा आ गया? खर्चा आ गया 153600, करूंगा माइनस। यहां पर भी खर्चा सेम रहेगा डीएमसी का, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का, और यहां पर भी खर्चा सेम रहेगा। ऑल राइट, इसके बाद बात करता हूं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। भाई ये तो निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालूं क्या? चलो पहले बनाता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 और निकालता हूं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अंडर नो स्कीम। आओ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अंडर नो स्कीम, यानी कोई स्कीम अगर इंप्लीमेंट ना करें तो कितना पेमेंट करना होगा वर्कर को। तो भैया बनाना कितना है हमारे को? हमें बनाना है 19200 यूनिट। हमें कितनी बनानी है? 19200 यूनिट्स। तो बताओ करंटली कितने घंटे चाहिए 19200 को बनाने में? तो लिखा टू प्रोड्यूस 19200 यूनिट्स कंपनी नीड कितने आवर्स? तो भाई 19200, यहां पे लिखो 19200। और बताओ जरा करंट एवरेज एवरेज प्रोडक्शन कितना है एक घंटे में? कितना ये था ना, 6 यूनिट पर आवर, यानी करंट केस में क्या एक घंटे में कितनी बनेगी? 6 यूनिट। आओ जरा, एक घंटे में बनेगी 6 यूनिट, तो डिवाइड बाय कर दो 6 यूनिट्स पर आवर। आपको बात समझ में आई? यहां मैंने 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 8 लगेगा जब इंसेंटिव स्कीम को फॉलो करेगी कंपनी। इंसेंटिव स्कीम मतलब बोनस स्कीम, मतलब हॉलसे और रोगर। 19200 बटा 6, इसका मतलब है 3200 घंटे लगेंगे कंपनी को। कितने घंटे? 3200 कंपनी को चाहिए 3200 घंटे प्रेजेंटली। ओके, अच्छा नॉर्मल टाइम कितना कंपनी पे अवेलेबल है? नॉर्मल टाइम ध्यान देना जरा, नॉर्मल टाइम कंपनी के पास है 60 वर्कर, है ना? कंपनी के पास है 60 वर्कर और एक हफ्ते में नॉर्मल टाइम है 40 घंटे का। तो भाई 60 वर्कर गुना 40 घंटे, यानी 2400 घंटे तो काम करवा सकते हैं हम नॉर्मल। सिंपल है, कितने घंटे कम पड़ गए जी? तो 3200 माइनस 2400, हमारे पास 800 घंटे कम पड़ गए। तो बाकी 800 घंटे क्या करवाएंगे हम? ओवर टाइम करवा सकते हैं क्या ओवर टाइम 800 घंटों का? यस। मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 900 घंटे से ऊपर नहीं करा सकते हम, तो 800 तो 900 के अंदर ही है। तो भाई 3200 माइनस 2400, यानी 800 घंटे का हमें क्या करवाना पड़ेगा? ओवर टाइम। अच्छा अब मैं निकाल रहा हूं टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो ध्यान देना जरा, ध्यान दो मेरी बात पर। 2400 घंटे काम किया नॉर्मल, क्या वेज रेट है? 10 रुपए पर आवर, क्वेश्चन में गिवन था। 800 घंटे काम किया इन्होंने ओवर टाइम, क्या वेज रेट है? 15 रुपए पर आवर। निकालूं क्या? सही निकाल रहा हूं मैं, 800 गुना 15 प्लस 24000, तो ये आ गया मेरा 36000। आई जी बात समझ में? आई जी बात समझ में कि नो बोनस नो स्कीम वाले केस के अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट खर्च होगी 36000 रुपए, क्योंकि यहां पर हम क्या करवाएंगे? ओवर टाइम। तो लिख दूं ऊपर 36000 रुपए, और ये क्या था? वर्किंग नोट 1, दिस इज वर्किंग नोट 1। चलो अब निकालूंगा मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अंडर कौन सी स्कीम थी ये? होलसेल। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अंडर होलसेल। अब होलसेल में क्या चाहिए मेरे को? तीन इंफॉर्मेशन, एक स्टैंडर्ड टाइम, दूसरी एक्चुअल टाइम, और तीसरी नॉर्मल वेज रेट। तीसरी नॉर्मल वेज रेट, सबसे पहले निकालता हूं मैं स्टैंडर्ड टाइम। तो भाई स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 19200 यूनिट, बताओ जरा
19,200 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि इंसेंटिव वाले केस के अंदर 1 घंटे में ये लोग बनाएंगे 8 यूनिट, 8 यूनिट्स पर आवर लिखा था मैंने ऊपर। तो भाई 19,200 बटा 8, 2400 घंटों में काम हो गया, यानी 2400 घंटे लगने चाहिए। सोच के बताओ, 19,200 बटा 8, सोच के बताओ। तो ध्यान दो जरा, यहां पर 19,200 बटा 6 ही रहेगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? मैंने पहले गलत क्यों लिखा आंसर? मैंने पहले गलत क्यों लिखा आंसर? आओ जरा वर्किंग नोट नंबर 1 में आओ। टू प्रोड्यूस 19,200 यूनिट, क्वेश्चन में क्या बोला? एट प्रेजेंट करंटली 1 यूनिट को बनने में, सॉरी 1 घंटे में 6 यूनिट बननी चाहिए, 6 यूनिट को बनने में 1 घंटा लगना चाहिए, यानी काम 3200 घंटे में होना चाहिए। तो कितना आएगा ये? 3200 घंटे। अब जरा ध्यान दो, यही पॉइंट मेन था इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए इसको मैंने पहले गलत किया फिर अब सही कर रहा हूं। 19,200 बटा 6 होगा ना कि 8, ध्यान देना। वो बात अलग है, स्कीम इंप्लीमेंट होने के बाद ये 8 बनाएंगे 1 घंटे में। अब जरा ध्यान दो, अब मैं निकाल रहा हूं एक्चुअल टाइम टू प्रोड्यूस 19,200 यूनिट। एक्चुअल टाइम टू प्रोड्यूस 19,200 यूनिट, तो भाई 19,200 डिवाइड बाई क्या करूं बताओ? अब 8 यूनिट्स पर आवर, समझे? क्या ठीक है ये 19,200 बटा 8, 2400 घंटे? सोचो, 19,200 को बनाने में 3200 घंटे लगने चाहिए थे, बट स्कीम इंट्रोड्यूस करने के बाद उनमें क्या आ गई? जान आ गई। अब वो 1 घंटे में कितना बनाएंगे? 8। तो 2400 घंटे लगने चाहिए। टाइम सेव्ड कितना? टाइम सेव्ड तो भाई 3200 माइनस 2400, 800 घंटे बचा लिए उन्होंने। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यहां पर जरा रुको, इंसेंटिव वाले केस में क्या वर्कर को हम ओवर टाइम पे करेंगे? सोच के बताना। यस, सोच के बताओ। नो, करेक्ट आंसर इज नो। क्यों भाई? ओवर टाइम का मतलब क्या है? नॉर्मल टाइम में काम नहीं हुआ तो करना पड़ता है ओवर टाइम। नॉर्मल टाइम कितना है यहां पर? नॉर्मल टाइम कितना है यहां पर? 2400 घंटे। अच्छा, काम कितने में हो गया? 2400 घंटे। तो ओवर टाइम तो करना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना बात? चलो अब मैं निकालता हूं यहां पर टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अंडर हॉल से। आओ भाई, फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, यानी 2400 घंटे गुना क्या वेज रेट है? 10 रुपए, प्लस टाइम सेव कितना? 800 घंटे गुना 10 गुना 50%। कितना आ गया? 28,000। बताओ ठीक है गलत है, एक बार चेक कर लो। यहीं पे निकाल लेता हूं अंडर रोवन भी। तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अंडर रोवन, तो भाई 2400 घंटे गुना 10 प्लस 800 घंटे गुना 10 गुना टाइम टेकन कितना? 2400। अलाउड कितना? 3200। ये आ गया मेरा 30,000। वर्किंग नोट नंबर 2 इज मेनली इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। यही वाला वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही है, बस मेन मेन वर्किंग नोट। इस क्वेश्चन की कैटेगरी है, मैंने बोला है, कुछ बच्चे इसे कैटेगरी बी भी बोल सकते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ
यही वाला वर्किंग नोट मेन है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। तो कैटेगरी बी बोल सकते हैं, और कैटेगरी बी में वर्किंग नोट नंबर 2 बन जाएगा स्पेसिफिक स्पेशल पॉइंट्स टू रिमेंबर। और इस वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर मेन पार्ट है आपका ये स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम को निकालना, जहां पे बच्चा गलती करता है, जो गलती मैंने आपको करके दिखाई थी, वो क्या करता है 8 से डिवाइड करता है स्टैंडर्ड टाइम को निकालने के लिए, जबकि डिवाइड करना है 8 से एक्चुअल टाइम निकालने के लिए, 6 से स्टैंडर्ड टाइम को निकालने के लिए। चलिए ऊपर लिख दूं 28,000 36,000, तो ये हो गया मेरा 28,000 और ये हो गया मेरा 36,000 वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, हाँ जी। अब अगला खर्चा है वेरिएबल ओवरहेड। क्वेश्चन ने क्या बोला, 50 पैसे पर डायरेक्ट लेबर आवर, जितने घंटे एक्चुअल में वर्कर ने काम किया गुना कर दो 50 पैसे। आओ जरा नो स्कीम वाले केस में वर्कर ने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया है बताओ, 2400 घंटे या 3200 घंटे, सोच के बोलना। 3200 घंटे काम किया भाई, ओवर टाइम भी तो किया उन लोगों ने, तो यहां पर क्या आएगा 3200 घंटे गुना 0.5 यानी कि 1600। अब बात करते हैं हॉल से रोबन की, आओ वर्किंग नोट नंबर 2, कितने घंटे काम किया जी वर्कर्स ने, 3200 घंटे या 2400 घंटे। भाई साहब यहां पे काम किया 2400 घंटे, यह है मेरा एक्चुअल टाइम, और मेरी वेरिएबल ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल टाइम लगेगी, यानी 2400 गुना 0.5, 2400 गुना 0.5 यानी कि 1200, और यहां पर भी सेम रहेगा यानी कि 1200। अगला खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 9,000, मुझे क्वेश्चन में खुद दिया पर भी कितना 9,000, तीनों में क्या रहेगा सेम रहेगा। आओ निकाल लेते हैं जी प्रॉफिट, 2,11,200 माइनस 1,53,600 माइनस 36,000 माइनस 1600 माइनस 9,000, ये आ गया मेरा प्रॉफिट 11,000। सेकंड वाला ये आ गया मेरा 19,400, ये आ गया मेरा 11,200 11,600 गलत 36, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, 19,000 नहीं 9,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट क्या था, एक मिनट रुको, गड़बड़ कहां पे हो रही है, अच्छा ये 30,000 है गड़बड़ यहां पे हो रही है, तभी अल्टीमेट आंसर यहां पर मैच नहीं हुआ, ये कितना मिला 30,000, तो 11 ये आएगा मेरा 17,400। तो ये है जी मेरा तीनों का प्रॉफिट। क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा था, शो द इफेक्ट, तो भाई इन केस ऑफ हॉल से कितना बढ़ गया प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट दोनों बढ़ा, इन केस ऑफ हॉल से कितना बढ़ गया, तो 19,400 माइनस 11,000, तो ये बढ़ गया 8,400। इन केस ऑफ रोवन 6,400, इस बात को लिख लेते हैं, क्वेश्चन पूरा हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2 इज बस मेन वर्किंग नोट है इसके अंदर, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, इंपैक्ट लिख लो या इफेक्ट लिख लो एक ही बात है, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। लिख रहा हूं मैं यहां पर प्रॉफिट गेट्स इंक्रीज्ड बाई 8,400 इन होलसेल स्कीम
एंड बाई 6400 इन रोमन्स के। अब क्वेश्चन हमें पूछा नहीं है, अगर क्वेश्चन हमें पूछता तो हम बोलते हैं होलसेल इज बेटर, क्योंकि हमारा प्रॉफिट तो होलसेल में बढ़ रहा है ना, तो होलसेल इज बेटर। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहां पर हो गया है जी कंप्लीट। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट नंबर 2 मेन था, जहां पे निकालना है स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम बस, और इस क्वेश्चन में बाकी पूरे का पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़े, चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 14, 14, क्वेश्चन नंबर 14। टू वर्कमैन एंड्रयू एंड बेकर, बताओ दो फॉरेन के लोग हमारी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, क्या नाम है? एंड्रयू एंड बेकर, मैं तो ए एंड बी बोलूंगा इसको, ए एंड बी कर लो, क्या क्या कर रहा है, क्या उखाड़ रहा है अभी मेरा। प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल, यूजिंग सेम मटेरियल, यूजिंग सेम मटेरियल, क्या मतलब? सेम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एंड्रयू इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू होलसेल, वाइल बेकर इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन, ए होलसेल बी रोवन, ठीक है। टाइम अलाउड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं ए फॉर एंड्रयू और बी फॉर बेकर, आप चाहो तो पूरा नाम लिख लेना। मुझे गिवन है स्टैंडर्ड टाइम, कितना गिवन है? 100 घंटे, तो 100 घंटे यहां, 100 घंटे यहां, है। एंड्रयू हैज टेकन 60 आवर्स एंड बेकर हैज टेकन 80 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। एक्चुअल टाइम कितना लगा? ए ने लिए हैं 60 घंटे और बी ने लिए हैं 80 घंटे, तो भाई टाइम सेव्ड कितना, टाइम सेव्ड कितना? तो भाई 60 100 माइनस 60 40, 100 माइनस 80 20। तो देखो मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम भी आ गया है, मेरे पास एक्चुअल टाइम भी आ गया है, बस मुझे एक और मिल जाए वेज रेट, नॉर्मल वेज रेट में क्या निकाल लूंगा, टोटल अर्निंग। आओ फिर क्वेश्चन बोलता है द नॉर्मल आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कमैन एंड्रयू इज 24 पर आवर, अंडरलाइन करो वर्ड, ये क्या है? नॉर्मल वेज रेट, यहां पे लिखूं क्या? नॉर्मल वेज रेट कितनी है? 24 रुपए पर आवर। ध्यान देना जरा, मैं कुछ और लिख रहा हूं, आप बताओ सही है गलत है। 24 रुपए पर आवर, बताओ क्या मैंने सही लिखा है? लाइन दोबारा से पढ़ो। नॉर्मल आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कमैन एंड्रयू, भाई ये 24 रुपए सिर्फ मिस्टर ए के हैं, बी के नहीं बता रहा क्वेश्चन, चुप है। ओ गेम खेल रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसका मतलब है मिस्टर ए का तो निकाल सकता हूँ मैं, टोटल नहीं, मेरे पे स्टैंडर्ड टाइम भी है, एक्चुअल टाइम भी है और वेज रेट भी है नॉर्मल वाली। अच्छा टोटल अर्निंग ऑफ बोथ दी वर्कर्स आर सेम, ओए होए अंडरलाइन करो टोटल अर्निंग। अच्छा वर्कर ए को पे करूं एज पर होलसेल और वर्कर बी को पे कर रहा हूं एज पर रोवन, बट इनको मिलने वाली टोटल पेमेंट सेम है, दोनों की अर्निंग सेम है, इसका मतलब क्या है? टोटल वेजेस ऑफ ए इक्वल टू टोटल वेजेस ऑफ बी। ओके कैलकुलेट द नॉर्मल आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कमैन बेकर, भाई ये तो हमें निकालनी है। आइए इसे रुपीज डब्ल्यू एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम्ड, ठीक है जी। आइए निकालता हूं टोटल वेजेस, देखो टोटल वेजेस का हूं इस केस में, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हूं या अर्निंग ऑफ वर्कर का हूं, सब कुछ सेम है। पहले निकालूंगा मिस्टर ए की, इन पे फॉलो होता है होलसेल स्कीम। तो क्या फॉर्मूला है? कितने घंटे काम किया? 60 घंटे काम किया। क्या रेट है? 24 रुपए। अच्छा कितना बचाया? 40 घंटे बचाया। क्या रेट है? 24 रुपए गुना 50%। ये आ गया मेरा 1920, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। फिर निकालता हूं बी की अंडर रोवन, फॉर्मूला क्या है? कितना
कितने घंटे काम किया? 80 घंटे काम किया। क्या वेज रेट है? W। कितना बचाए? 20 घंटे बचाए। क्या वेज रेट है? W गुना टाइम टेकन बटा टाइम अलाउड। टेकन कितना? 80, अलाउड कितना? 100। निकाल सकते हैं क्या इसको? ये आ गया 96W। क्वेश्चन ने क्या बोला है मुझे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला कि वेजेस ऑफ ए यानी एंड्रयू इज इक्वल टू वेजेस ऑफ बी। बी बोले तो बी कर, एग्जाम में लिखना भाई पूरा ए फॉर एंड्रयू नहीं, पूरा एंड्रयू। ये छूट सिर्फ मेरे को है। तो यहां पे लिखा मैंने 96, यहां पे लिखा मैंने 1920 और यहां पे लिखा मैंने 96W। तो W बराबर कितना हो गया? 1920 बटा 96। तो ये आ गया मेरा ₹20 पर आर। लो जी, ये आ गया नॉर्मल वेज रेट ऑफ बेकर। जो मुझे क्वेश्चन ने पूछा था। अब कैटेगरी ए बी सी आप खुद देख लेना जो आपको ठीक लगे। कैटेगरी ए लिखना या बी लिखना या सी लिखना आपकी जैसी इच्छा हो। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे। अब करते हैं एक कॉन्सेप्ट। तो निकाल लो आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर, उसमें लिखना है आपको कॉन्सेप्ट। तो यहां पे लिखिए मैंने हेडिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की नंबरिंग आप खुद से डाल लेना। कॉन्सेप्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम आपके मन में आ रहा होगा, सर ओवर टाइम का ट्रीटमेंट तो अभी हमने किया ही है, तो ये तो हमें आता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है ये तो मैंने बता दिया आपको। वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम, तो लिख रहा हूं मैं ओवर टाइम मीन्स, शॉर्ट में लिखा मैंने ओ ऑब्लिक बी। ओवर टाइम मीन्स वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम। वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम। एक कंपनी का टाइम है हफ्ते में 5 दिन, 9 to 5, तो ये नॉर्मल टाइम है। लेकिन अगर सैटरडे संडे बुलाऊं तो ओवर टाइम। शाम को 5 बजे के बाद काम करने के लिए बोलूं तो ओवर टाइम। सुबह जल्दी आकर काम करने के लिए बोलूं तो 9 से पहले का ओवर टाइम। किसी फेस्टिवल पर, होली, दिवाली, क्रिसमस, किसी पर भी बुलाकर काम करने के लिए बोलूं तो ओवर टाइम। समझ में आ गया ओवर टाइम आखिर है क्या? ओवर टाइम मीन्स वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम, ये मतलब होता है जी ओवर टाइम का। पूरा लिख देता हूं, मेरा दिल कर रहा है यार। ओवर टाइम मीन्स वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? आपके मन में आ रहा होगा ओवर टाइम तो मैं जानता, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? तो ध्यान देना, एक बात तो ये कंफर्म है, ओवर टाइम के अंदर जब एम्प्लॉय काम करता है उसे हम ज्यादा पेमेंट करते हैं। अगर नॉर्मल टाइम में दे रहे हैं ₹10 घंटा, तो ओवर टाइम में देंगे ₹15 घंटा, ₹20 घंटा, ₹30 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी की क्या पॉलिसी है। बट गवर्नमेंट ने कुछ कह रखा है इसके ऊपर। क्या बोला गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि दुगुना दे दो भाई। गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन मान लो इसको आप। अगर नॉर्मल टाइम में ₹10 घंटा देते हो तो ओवर टाइम में दे दो ₹20 घंटा। अगर नॉर्मल टाइम में ₹100 घंटा देते हो तो ओवर टाइम में दे दो ₹200 घंटा। आपके मन में आ रहा होगा सर कोई वर्कर अगर नॉर्मल टाइम ना करे सिर्फ ओवर टाइम ही करे तो ये पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो भाई। ओवर टाइम करने की बात नॉर्मल टाइम करने के बाद आती है। मैंने आपको बोला डेली 8 घंटे पढ़ना है, अब मैं बोलूं 2 घंटे का ओवर टाइम करो तो आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं बोलूं 1 घंटे का ओवर टाइम करो तो आपको 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब कोई ऐसा बोले कि सर वो 2 घंटे पढ़ लूं तो ओवर टाइम वाले, अरे कहां पॉसिबल है यार ये चीज। ओवर टाइम मतलब वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम, यानी नॉर्मल वर्किंग टाइम तो काम कर चुके हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको बोलेंगे ओवर टाइम।
तो ये तो कंफर्म है, ओवर टाइम मीन्स वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम, एंड ओवर टाइम वेज रेट इज ऑलवेज हायर देन नॉर्मल वेज रेट। लिखो अगली लाइन, फिर लिखता हूं शॉर्ट में, ओवर टाइम वेज रेट इज ऑलवेज ऑलवेज मोर देन नॉर्मल वेज रेट। अभी कितनी होगी, डेढ़ गुनी, दो गुनी, ढाई गुनी, तीन गुनी, क्वेश्चन बताएगा हमारे, क्वेश्चन बताएगा मुंह से, उसे बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन गूंगा नहीं बन सकता इसके ऊपर, उसे बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि जी मैं तुम कुछ बोल नहीं पाता हूं, बोलना पड़ेगा भैया उसको। अगर वो नहीं बोलेगा तो हम एज्यूम करेंगे ना फिर, बट ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं। चलो तो ये पढ़ क्यों रहे हैं आप, मेन बात है कि ये कॉन्सेप्ट पे पढ़ क्यों रहे हैं, दोनों बातें तो मैं पहले से जानता हूं, नोट कर लिया ना। अब जरा ध्यान दो, मैंने आपको अभी बताया कि वर्कर जब भी काम करता है ना, उसको दी जाने वाली पेमेंट को बोलते हैं लेबर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, DLC। तो सवाल यह है कि जो हम ओवर टाइम पे करेंगे, इसका हम क्या करेंगे? अगर हमें अपने वर्कर्स को ओवर टाइम करवाना पड़ा तो इस ओवर टाइम को हम क्या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मानेंगे, या इस ओवर टाइम को हम फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे, या इस ओवर टाइम को हम लॉस मानेंगे? ये डिसाइड करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं सिचुएशन नंबर वन। अगर हमारी कंपनी के अंदर हमेशा रेगुलरली ओवरटाइम करवाना पड़ता है, रीजन इसके दो हो सकते हैं। पहला रीजन तो यह है हम पे डिमांड बहुत ज्यादा है, दूसरा रीजन यह है मार्केट में इंप्लॉयज ही नहीं है, यानी शॉर्टेज है इंप्लॉयज की। भाई जो काम हम अपने वर्कर से करवाना जानते हैं उस काम को कर लेने वाले इंप्लॉयज मार्केट में है ही नहीं, कमबख्तों को काम ही नहीं आता भाई। अगर मान लो कोई कंपनी है, कोई सेल्समैन रखना चाहती है वो, या कोई टेलीकॉलिंग वाला बंदा रखना चाहती है वो, बट मार्केट में टेलीकॉलर्स है ही नहीं। कहने को ग्रेजुएट है, यस सर आई एम ग्रेजुएट, यस सर आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, यस सर आई एम हार्ड वर्किंग, ये सिर्फ बातें हैं, एक्चुअल में जब काम कराओ नहीं कर पाते, इंग्लिश बुलवाओ नहीं बोल पाते, इंग्लिश पढ़वा के उसका हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए बोलो नहीं कर पाते। क्या मतलब? मार्केट में कंपनी के हिसाब से लेबर अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो लेबर इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उनसे ही ये काम करवाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर जो भी हम ओवर टाइम पे करेंगे उसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सिंपल। सिचुएशन नंबर तीन, हम इसे लॉस मानेंगे। ऐसा कब? मान लो मेरी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, भूकंप आ गया, जलजला, मशीन खराब हो गई, जिसके कारण से प्रोडक्शन नहीं हो पाया। मतलब वर्कर तो अवेलेबल था, डिमांड भी नॉर्मल थी, बट क्योंकि एक मिस हैपनिंग फैक्ट्री के अंदर हो गई, उसकी वजह से नॉर्मल टाइम में काम नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने वर्कर को हाथ जोड़ के बोला, मेरे प्यारे वर्कर्स, लोगों शाम को रुक कर ओवर टाइम करो और इस प्रोडक्शन की शॉर्टफॉल को पूरा करो। तो वर्कर्स को ओवर टाइम करना पड़ा किसी गलती से? कंपनी की गलती से। कंपनी ने अगर टाइम पर मशीन का रिपेयर कराया होता तो मशीन खराब नहीं होती। कंपनी ने अगर आग फायर सेफ्टी ली होती तो कंपनी में आग नहीं लगती।
तो इस केस में क्या होता है, जब कोई एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से ओवर टाइम करवाना पड़े, तो ओवर टाइम में दी जाने वाली पेमेंट को हम कॉस्ट नहीं लॉस मानते हैं, इसको हम कॉस्ट नहीं लॉस मानते हैं, इट इज अवर लॉस। कॉस्टिंग में कॉस्ट और लॉस में फर्क होता है। आप मुझसे क्लासेस कर रहे हैं, कॉस्ट कॉस्ट इनकर की आपने, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने कहीं ऐसा खर्चा कर दिया जहां से फ्यूचर में बेनिफिट मिलने की संभावना नहीं है। मान लो आपने कोई लॉटरी खरीद ली, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लॉस है, वहां पर सट्टेबाजी है। तो कॉस्ट और लॉस में फर्क होता है, तो बात समझ गए। अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है तो हम ओवर टाइम को मानेंगे लॉस। सिचुएशन नंबर तीन, इसे हम मानेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। सिचुएशन नंबर तीन क्या है, एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान देना जरा, कभी कभी, ये ट्रिक है इसको याद रखने की। कभी कभी आपने सुनी है कविता, वो गाना या कविता जो भी कहो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो भाई साहब, कभी कभी कंपनी के मालिक के दिल में ख्याल आता है कि ओवर टाइम करवा ले प्यारे, प्रोडक्शन शॉर्टफॉल हो रहा है। तो अगर कभी 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 ओवर टाइम करना पड़ता है, रेगुलर नहीं है। देखो यहां पे क्या बोला मैंने, ओवर टाइम रेगुलरली करवाना पड़ता है, हमेशा, मार्केट में एम्प्लॉय नहीं है। यहां पे क्या बोल रहा हूं, कभी कभी, समटाइम्स, या इसे बोल दूं इररेगुलरली, ये की बात है। क्या बोल दूं इसको, इररेगुलरली। तो इस केस के अंदर हम ओवर टाइम वाले अमाउंट को फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड मतलब हो गया कॉमन खर्चा, और ये कॉमन खर्चा सभी प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। ये तीन सिचुएशन थी ओवर टाइम करवाने की। इसके अलावा एक और सिचुएशन है, और वो है कस्टमर की रिक्वेस्ट, डिमांड नॉर्मल है, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, बट कस्टमर ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिया, बोला साहब आपको मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है, प्रेयर है, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में सारा प्रोडक्शन करवा दीजिए, थोड़ा इस ऑर्डर को अर्जेंट प्रोसेस करवा दीजिए। तो मेरे पे क्या ऑप्शन है मेरे प्यारे वर्कर्स लोगों, क्योंकि ये कस्टमर हमारे सर पर बैठ गया है, तुरंत प्रोडक्शन चाहता है, तो हमें करवाना पड़ेगा आपसे ओवर टाइम। तो इस केस के अंदर ओवर टाइम वाले पूरे खर्चे को कस्टमर की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ऐड टू कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, और ऑर्डर को कॉस्टिंग के अंदर जॉब वर्ड से सम्मानित किया जाता है, जॉब, ऑर्डर ना बोल के क्या बोलेंगे हम, जॉब। तो जो भी कस्टमर से मुझे पैसे लेने हैं उसमें इस ओवर टाइम वाले खर्चे को भी ऐड कर दूंगा, फिर निकालूंगा टोटल खर्चा, अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा और बोलूंगा इतने पैसे देने हैं आप। एक एग्जाम्पल लो, मान लो मैं टेलर हूं, मेरे पास एक बंदा आ गया, बोला जी मेरा शादी का सूट सिल दो 2 दिन के अंदर, परसों मेरी शादी है, परसों या नरसों कह लो, 2 दिन के अंदर मेरा कोट सिल दो। मैंने कहा ठीक है सिल देंगे, वैसे तो हम लेते हैं 5,000 रुपये, बट वैसे लेंगे 8,000 रुपये। उसने बोला क्यों बाबू जी, मैंने बोला मेरे भाई देख, वर्कर को शाम में रुक कर रात में रुक कर तेरे लिए करना पड़ेगा ओवर टाइम, और भाई जब वो तेरे लिए ओवर टाइम करेगा ना तो वो ज्यादा पेमेंट लेगा मुझसे, वो खर्चा कौन करेगा भैया, तू करेगा भैया। कस्टमर बोला ठीक है जी। तो देखा आपने, वैसे ले रहा था मैं 5 और अब लूंगा 8, तो 3,000 क्या है एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये क्यों इनकर हुई, बिकॉज ऑफ ओवर टाइम, कस्टमर की रिक्वेस्ट पर। तो ओवर टाइम वाला खर्चा मैं कस्टमर की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर यही सारी बातें हमें पढ़नी है। तो आइए मैं लिखवा देता हूं आपको ट्रीटमेंट, जो बातें बताई अभी तक उनको बस आप नोट करते जाइए। ये दो बातें तो नोट कर लिया आपने, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। अब आ जाओ
केस वन। केस देखो, व्हेन ओवर टाइम इज डन रेगुलरली, बस वर्ड पे ध्यान दो, रेगुलरली, कभी कभी नहीं, हमेशा, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर, मार्केट में लेबर नहीं है तो मेरी मजबूरी है, उनसे रोजे करवाना पड़ता है मुझे ओवर टाइम। व्हेन ओवर टाइम इज डन रेगुलरली, ये वर्ड खास है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर, देन इन सच केस ओवर टाइम विल बी चार्ज्ड यूजिंग इन्फ्लेटेड वेज रेट। सर ये क्या बात आ गई, आप तो कहते बस मैं लिखवा रहा हूं, ये नया वर्ड कहां से आ गया, इन्फ्लेटेड वेज रेट। तो ध्यान देना, मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड तो करूंगा, ये है मेरा केस, बट क्या यूज करूंगा, इन्फ्लेटेड रेट। तो ये होता क्या है, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाएंगे। एक वर्कर दिन में काम करता है 8 घंटे, मैं पे करता हूं 10 रुपए घंटा, यानी मान लो मैं 80 रुपए पे करता हूं। जब वो वर्कर शाम में 2 घंटे और रुक कर काम करता है, यहां मैं पे करता हूं 20 रुपए घंटा, क्योंकि तो ओवर टाइम कर रहा है, तो यहां मैंने पे करे 40 रुपए। तो कुल मिलाकर मैंने कितने पे करे उसको, 120, और उसने कुल मिला कितने घंटे काम किया, 10 घंटे। तो भाई 120 बटा अगर मैं 10 करूं, इसको बोलेंगे 12 रुपए घंटा। तो इस 12 रुपए घंटे को ही टेक्निकली बोलते हैं इन्फ्लेटेड वेज रेट, इन्फ्लेटेड वेज रेट। अच्छा, इस एग्जाम्पल के अंदर नॉर्मल वेज रेट क्या है, 10 रुपए, ओवर टाइम रेट क्या है, 20 रुपए, बट इन्फ्लेटेड कितना है, 12 रुपए। अगर मैं इसे प्यार से अपने हिसाब से कोई नाम देना चाहूं तो मैं इसे बोल दूंगा एवरेज वेज रेट, मैं इसे बोल दूंगा एडजस्टेड वेज रेट। चाहे इसे बोलो एवरेज रेट, चाहे बोलो एडजस्टेड, मतलब एक ही है। मैं क्या निकाल रहा हूं, ऑन एन एवरेज 1 घंटे का मैंने कितना पेमेंट दिया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, मैंने क्या निकाल लिया, इन्फ्लेटेड वेज रेट। अब मुझे पता पड़ा कि इन 10 घंटों में, ध्यान देना, इन 10 घंटों में वर्कर ने 2 ऑर्डर पे काम किया है, एक है ऑर्डर ए और एक है ऑर्डर बी। मान लो यहां पे लगाए हैं 6 घंटे और यहां पे लगाए हैं 4 घंटे, तो मुझे कॉस्ट में ऐड करनी है लेबर कॉस्ट, तो मैं क्या बोलूंगा, 6 गुना 12 72 रुपए लगेंगे ए के ऊपर, और 4 गुना 6 4 गुना 12, ये पता नहीं कहां से लिख दिया यार, 4 गुना 12 यानी 12 चौक 48 रुपए लगेंगे बी के ऊपर एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। समझ गए बात को, कि मैंने क्यों निकाला, इन दोनों का टोटल कितना है, 120 रुपए। मैंने क्यों निकाला एडजस्टेड वेज रेट, मैंने क्यों निकाला इन्फ्लेटेड वेज रेट। ये केस था केस नंबर वन। ये था मेरा केस नंबर वन। चलो केस नंबर टू करता हूं जी। अब केस नंबर टू क्या है, इरेगुलरली, यानी कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वैसे ही कभी कभी एम्प्लॉयर के मन में ख्याल आता है कि इन ससुरों से ओवर टाइम करवा लो। केस टू, व्हेन ओवर टाइम इज डन इरेगुलरली, व्हेन ओवर टाइम इज डन इरेगुलरली, तो इस केस में क्या होगा, क्या मतलब है इरेगुलरली, मतलब कभी कभी। इस केस में क्या होगा कि जो भी ओवर टाइम पे करेंगे उसको हम क्या मान लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इन सच केस ओवर टाइम विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड मान लेंगे इसको हम, ओवरहेड मतलब कॉमन खर्चा, तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा ये, केस वन और केस टू में प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ेगा
ये आप समझ जाएंगे। अभी एक एक क्वेश्चन करेंगे। एक आपको मैं देता हूं आइडिया। देखो पहले केस में मैंने क्या बोला, ऐड करो एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और निकालो इन्फ्लेटेड वेज रेट। और यहां पर क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा पे किया है मैंने, जो भी मैंने एक्स्ट्रा पे किया है वो आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, जो भी एक्स्ट्रा पे किया। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल वेज रेट है 10 रुपए, पे किया है 15, तो 5 रुपए कहां पर आ जाएगा, एज फैक्ट्री ओवरहेड। 5 रुपए विल बी एज फैक्ट्री ओवरहेड। चलो केस थ्री, केस थ्री क्या था, केस थ्री था अपना लॉस, केस थ्री था अपना लॉस। आओ तो केस थ्री है अपना लॉस एबनॉर्मल सिचुएशन। तो लिखो व्हेन ओवरटाइम इज डन, ओवरटाइम इज डन टू मेकअप, या टू मीटअप भी कर सकता था, टू मेकअप प्रोडक्शन शॉर्टफॉल, प्रोडक्शन शॉर्टफॉल ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन, ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन। जैसे फायर है ना, मशीन ब्रेकडाउन, इस केस में क्या होगा, लिखो ओवर टाइम पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज लॉस, ट्रीटेड एज लॉस एंड ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने ट्रांसफर्ड को शॉर्ट में लिखा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस तरह कॉस्टिंग के अंदर भी बनता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हम लॉस मानकर, लॉस के रूप में मानकर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी किसी भी ऑर्डर की कॉस्ट में इसको ऐड नहीं करेंगे। आइए केस नंबर तीन था ये, अब आखिरी केस है केस नंबर चार। When overtime is done at request of customer, इस केस में क्या होगा, overtime will be added to cost of customer order, कस्टमर ऑर्डर एंड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। भाई जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं कस्टमर साहब आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, वो मैं आपसे लूंगा। तो ये है जी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। इस ओवरटाइम वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लो, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज ₹10 पर आवर। क्या होती है बेसिक वेज रेट? नॉर्मल वेज रेट। तो बेसिक वेज रेट है ₹10 पर आवर एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज। लिखा है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स मतलब जो एक दिन के अंदर नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे पहले भी काम करना पड़े और उसके बाद भी काम करना पड़े तो उसको बोलेंगे हम ओवर टाइम। और कितना मिलेगा पेमेंट? 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। अब मुझे बताओ जरा, या मैं इसको प्यार से बोल दूं ओवर टाइम सेम डे, है ना? इसको प्यार से बोलता हूं मैं ओवर टाइम सेम डे, यानी कि सेम डे के अंदर अगर ओवर टाइम करना पड़ा तो यहां पेमेंट करनी पड़ेगी 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। तो बताओ जरा यहां पर वेज रेट क्या है? तो यहां पर है 175% ऑफ बेसिक, तो 10 का 175% कितना आ गया? ये ₹17.50 पर आर, ठीक है ना? अच्छा, फिर लिखा है संडेज एंड हॉलीडेज, तो इसको लिख देता हूं मैं ओवर टाइम संडेज एंड हॉलीडेज, शॉर्ट में लिखा SNH। तो बताओ यहां वेज रेट क्या है? यहां वेज रेट और ज्यादा है, 225% ऑफ बेसिक वेज रेट, यानी ₹10 के बदले हम पे करेंगे 10 का 225%, यानी ₹22.50 पर आर, ठीक है जी? ओके। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्क्ड। ध्यान देना, नॉर्मल टाइम में काम किया गया 1,00,000 घंटे, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स में काम किया 20,000 घंटे, एंड ओवर टाइम संडे एंड सैटरडे को काम किया गया 5,000 घंटे, कुल मिलाकर 1,25,000 घंटे काम किया गया। तो अभी तक जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, क्या इसके बेस पर आप इन्फ्लेटेड वेज रेट निकाल सकते हो क्या, जिसको प्यार से मैं एडजस्टेड वेज रेट या एवरेज वेज रेट कहता हूं, क्या निकाल पाना पॉसिबल है? आइए लिखता हूं जरा पहले मैं इसको। तो ध्यान दे रहा हूं, यहां पे लिखा मैंने नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम कितना काम करवाया? 1,00,000 घंटे। वेज रेट क्या है नॉर्मल टाइम में? ₹10, तो कितना आ गया? ₹10,00,000। फिर उसके बाद है ओवर टाइम सेम डे, कितने घंटे काम कराया गया? 20,000 घंटे। ओवर टाइम कितना? ₹17.50, तो ये कितना आ गया? 20,000 × 17.5, ये आपका 3,50,000, 3,50,000। फिर उसके बाद है ओवर टाइम संडेज एंड हॉलीडेज, एग्जाम में क्या शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर इज नो, बट क्लास में ये करने की परमिशन मेरे पास है क्योंकि मुझे एग्जाम तो देना नहीं है, आपको समझाना मेरा मकसद है। तो 5,000 घंटे काम किया, 22.5 के हिसाब से मिलेगा इनको ₹1,12,500। तीनों को ऐड कर देता हूं तो ये आ गया 14,62,500 और कुल काम किया गया है 1,25,000 घंटे, 1,25,000 घंटे। अब निकाल रहा हूं मैं इन्फ्लेटेड वेज रेट। टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेटेड वेज रेट। इन्फ्लेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी मैं निकालूंगा ये वाली वेज रेट तो मेरी वेज रेट नॉर्मल से ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल टोटल पेमेंट डिवाइड बाय टोटल आवर्स। तो ये आ गया मेरा ₹11.70 पर आवर। लो जी, इसे क्या बोल देता हूं मैं? इसे बोल देता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेटेड वेज रेट। अभी तक क्वेश्चन को पढ़ने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, वेरी वेरी सिंपल। तो उसको नोट कर लो, इन्फ्लेटेड वेज रेट। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें आराम आराम से करेंगे। हमारा मकसद है समझना, चीजों को आसान करना। देखो कॉस्टिंग बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रोवाइडेड आपने प्रैक्टिस की हो, और आपको जो मैंने बुक्स दी है ना ये मोर देन सफिशिएंट है।
आपको कोई और बुक्स, कोई और मटेरियल रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बुक को आप 3 से 4 बार कर लो, मैं गारंटी देता हूं आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 100 में से 100 नंबर भी लेके आ सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ अब। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्क ऑन जॉब जेड। हमारे पास एक ऑर्डर आया जिसका नाम जेड है, और कॉस्टिंग के अंदर ऑर्डर को हम टेक्निकली बोलते हैं जॉब, ठीक है ना, जिसमें नॉर्मल आवर लगे हैं 1000, ओवर टाइम सुबह शाम करना पड़ा 100 घंटे का, ओवर टाइम संडे सैटरडे को करना पड़ा 25 घंटे का, कुल मिलाकर 1125 घंटे इस ऑर्डर पे काम हुआ है। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड। हमें क्या निकालना है कि जॉब जेड में कितनी हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। अपने को 3 केस दे रखे हैं। पहला है वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली, अंडरलाइन करो वर्ड रेगुलरली, मतलब हमेशा, तो रेगुलरली करना है। पहला वाला केस है व्हेन ओवरटाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, ठीक है। केस नंबर 2 है व्हेयर ओवरटाइम इज वर्क इररेगुलरली, यानी कभी कभी, तो कभी कभी एक ट्रिक है याद करने की, इररेगुलरली समटाइम्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। और केस नंबर 3 है वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब, टू एक्सपीडिएट द जॉब। तो कुल मिलाकर 3 केस हैं, आइए करते हैं। सबसे पहला है ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली, ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली। तो यहां पे क्या बोला था मैंने, यहां पे मैंने बोला था क्या निकालेंगे, इन्फ्लेटेड वेज रेट, और उसके बेस पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज करेंगे। तो पहला केस है मेरा ये वाला, तो अब लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब जेड। कुल मिला के कितने घंटे काम किया गया है, 1125 घंटे काम किया गया टोटल। और क्या है मेरा एवरेज रेट, 11 रुपए 70 पैसे पर आवर। तो पहले वाले केस में 13162.5, पहले वाले केस के अंदर मैं 13162.50 रुपए को ऐड करूंगा एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ऑर्डर। फिर सेकंड है व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड इररेगुलरली, ओवर टाइम इज वर्कड इररेगुलरली, यानी कभी कभी। ये ट्रिक याद रखना हमेशा, कभी कभी, एग्जाम में मत लिखना इसको आप, ये याद करने की ट्रिक है, इससे क्या होता है चीजों को कर पाना आसान हो जाता है। अब जरा ध्यान दें इसके लिए मैंने क्या कहा था कॉन्सेप्ट में आपको, कि जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या कहा था इररेगुलर वाले केस के अंदर, कि जो भी ओवर टाइम का अमाउंट है, जो भी एक्स्ट्रा पे किया है मैंने, उसको मैं चार्ज करूंगा एज ओवरहेड। तो ध्यान देना, यहां पे लिखा मैंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और यहां पे लिखा मैंने ओवरहेड। अब जरा ध्यान दो, यहां पे नॉर्मल टाइम, यहां पे ओवर टाइम सेम डे वाला, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको लिखना पूरा ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, यहां पे ओवर टाइम संडेज एंड हॉलीडे वाला। तो देखो यहां पे काम किया गया है, यहां पे काम किया गया है 1000 घंटे, फिर यहां पे किया है 100 घंटे, और फिर यहां पे किया है 25 घंटे, यह आपका टोटल टाइम। अब जरा ध्यान देना, पहले 1000 घंटों में क्या कुछ एक्स्ट्रा पे किया है, नहीं। कितना पे किया है, 1000 घंटे गुना 10 रुपए, यानी 10,000 रुपए, ऑल राइट। तो 10,000 क्या है मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर बात करते हैं संडे की, संडे में पे किया है मैंने 1750 रुपए, यानी ध्यान दो जरा, 10 रुपए पे किया मैंने यहां के लिए और 7.5 मैंने पे किया यहां के लिए, 7.5 मैंने पे किया एज एक्स्ट्रा। केस नंबर 3 में यहां पे किए 10 रुपए नॉर्मल और 1250 पे किए मैंने एज एक्स्ट्रा। तो ध्यान दो, यहां मल्टीप्लाई करूंगा 100 घंटे से, यहां मल्टीप्लाई करूंगा 100 घंटे से, यहां मल्टीप्लाई करूंगा 25 घंटे से, यहां मल्टीप्लाई करूंगा 25 घंटे से। तो ये आ गया आपका 1000 और ये आ गया आपका 250, ये आ गया आपका 750 और ये आ गया आपका 312.50। बस ऐड कर दो दोनों को, ये आ गया मेरा टोटल ओवरहेड है 1062.5 और यह है आपका 10 11 11,250। लो जी रिक्वायरमेंट नंबर 2, केस नंबर 2 में हो गया है व्हेन ओवर टाइम इज वर्क्ड कभी कभी। तो कभी कभी वाले केस में क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा पे करूंगा वो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट जाएगा ओवरहेड के अंदर,
यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, नो एक्स्ट्रा। 10 रुपए की नॉर्मल वेज रेट है और 10 रुपए ही पे किए गए शुरू के 1000 आवर्स के अंदर। ये था केस नंबर टू। अब आ जाइए केस नंबर तीन क्या है, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, केस नंबर तीन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का केस नंबर 1, 2, 3, 4 डिफरेंट हो सकता है। तीसरा है व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, व्हेन ओवर टाइम इज डन एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। तो मैंने क्या बोला था, जो भी हमने पेमेंट किया है चाहे एक्स्ट्रा हो चाहे नॉर्मल हो, सारा का सारा खर्चा हम चार्ज करेंगे कस्टमर से। तो ध्यान देना जरा, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ जेड, देखो एक है नॉर्मल टाइम, एक है ओवर टाइम सेम डे, और एक है ओवर टाइम संडे एंड हॉलीडेज। यहां पे काम करा है 1000 घंटे, यहां काम करा है 100 घंटे, और यहां काम करा है 25 घंटे। तो हमने जो भी पे किया सारा कस्टमर चार्ज करो, यहां पे करें 10 रुपए, यहां पे करें हैं 17.5, और यहां पे करें हैं 22.5। निकालो टोटल, तो 1000 गुना 10, 10,000, ये आएगा 1750 है ना। और पांच सौ 62.50, तीनों को ऐड कर दो, 12,312, 12,312.50। लो जी क्वेश्चन नंबर 12 हो गया जी यहां पर आपका कंप्लीट, और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर, प्रैक्टिकली कैसे हम ओवर टाइम को ट्रीट करते हैं। चलो आगे बढ़ू, सब नोट करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर ए मंथ एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब एक्स वाई, एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई जेड। ध्यान दो जरा, यहां पे कुछ समझाना चाहता हूं मैं आपको, ध्यान दो। क्वेश्चन ने क्या बोला, अर्निंग निकालो वर्कर्स की है ना, और क्वेश्चन ने क्या बोला, एलोकेट करो लेबर कॉस्ट जॉब्स में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को 10,000 रुपए दिए एक महीने के अंदर, मान लो किसी महीने में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को 10,000 रुपए दिए, तो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे क्या वर्कर की अर्निंग कितनी है, बताओ उस एम्प्लॉय की अर्निंग कितनी है उस महीने की। जवाब है 10,000, करेक्ट। अब इस एग्जाम्पल में मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मैंने एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दिए, तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 10,000। इसका मतलब क्या है, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया उसके अंदर वर्कर की अर्निंग और मेरी लेबर कॉस्ट दोनों क्या है, बराबर, दोनों क्या है, बराबर। बट क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसे चांसेस हैं कि कभी कभी इंप्लॉय की अर्निंग अलग हो और मेरी लेबर कॉस्ट अलग हो। तो जवाब है यस, यानी इसके एक्सेप्शन है, यानी ऐसा हो सकता है कि अर्निंग लेबर कॉस्ट दोनों डिफरेंट हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, और उस एग्जांपल में इस्तेमाल करता हूं प्रोविडेंट फंड का। समझते हैं आप प्रोविडेंट फंड, अगर नहीं समझते कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आप। होता क्या है, एज एन एम्प्लॉयर मैं एक कंपनी चला रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं कंपनी चला रहा हूं तो मोटा प्रॉफिट कमा रहा हूंगा। तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस चलाता है और एम्प्लॉयज को रखने की पोजीशन पे आ जाता है तो वो मोटा प्रॉफिट कमाता है। और बिजनेस में ना कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती है, जैसे आज मैं टीचिंग कर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 60 साल का होते ही टीचिंग छोड़ देनी चाहिए मेरे को। ये मेरी मर्जी है कि मैं टीचिंग 60 साल की उम्र में छोड़ू, 80 की उम्र में छोड़ू,
90 की उम्र में छोड़ूं या 100 की उम्र में छोड़ूं या ना छोड़ूं, पूरी जिंदगी पढ़ाता ही रहूं बच्चों को, ये मेरी मर्जी है। तो कुल मिलाकर मेरे को एक सेफ्टी की फीलिंग है कि जिंदगी भर मैं टीचिंग करके अर्निंग करता रहूंगा। हालांकि एट प्रेजेंट इस प्रोफेशन से इतनी अर्निंग हो चुकी है कि मैं अगर चाहूं तो कल रिटायरमेंट ले लूं, बट करूंगा क्या खाली बैठकर। तो मेरे पास एक सिक्योरिटी है, अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर पैसा बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है तो मेरी मर्जी मैं आज भी छोड़ दूं टीचिंग करना, तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि पूरी जिंदगी आराम से लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं। यानी एक सेफ्टी है फाइनेंशियल। दूसरा, किसी का बिजनेस ऐसा है जिसमें मोटा पैसा तो वो नहीं कमा रहा, बट बिजनेस उसका सेटल्ड है, बिजनेस उसका स्टेब्लिश हो गया है, उसको भी सिक्योरिटी है। और वो सिक्योरिटी क्या है कि बिजनेस 60 साल तक चलाओ, 70 तक चलाओ, 80 तक चलाओ, 90 तक चलाओ या 100 साल चलाओ, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब उसमें एक सिक्योरिटी है कम बिजनेस वाले पर भी, कम अर्निंग वाले पर भी, कि यार जिंदगी भर धंधा चलता रहेगा, रोटी कमाते रहेंगे, यार बेसिक नीड्स हमारी पूरी होती रहेगी, रोटी कपड़ा और मकान। कल को अगर हाथ पैर काम नहीं करेंगे 80 की उम्र में, तो वो क्या करेगा, कोई बंदे को रख लेगा नौकरी पर। जैसे मान लो कोई समोसे बेचने वाला है, बिजनेस करता है, अब समोसे में धांसू कमाई तो बहुत कम लोगों की है। मान लो एक नॉर्मल कमाई वाला है समोसे वाला, उनने कहा यार बिजनेस चल तो रहा है यार, कमा लेंगे, क्या दिक्कत है। 90 साल की उम्र है, मान लो उसके हाथ पैर कम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी में स्ट्रेंथ कम हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, एक लगा रख लेगा नौकरी पर। तो मतलब बिजनेस में एक सिक्योरिटी मिलती है। बट बात करते हैं अब इंप्लॉय की। इंप्लॉय के पास सिक्योरिटी नहीं है बेचारे के पास। इंप्लॉय हमेशा इनसिक्योर फील करता है, कभी भी इंप्लॉयर उसे निकाल सकता है, डेफिनेटली अधिकार है इंप्लॉयर के पास, तो इंप्लॉयर तो निकाल देगा। इंप्लॉय को तुरंत जॉब मिलेगी, गारंटी नहीं है भाई, मिल भी सकती है और मिल नहीं भी सकती है। तो वो तो क्या हो गया, अनसर्टेन। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जॉब के अंदर एक प्रॉब्लम हो रहा है, और वो प्रॉब्लम है रिटायरमेंट का एज। जॉब के अंदर 60 साल पर रिटायरमेंट कंपलसरी है। कंपलसरी से मेरा मतलब क्या है, कंपलसरी से मेरा मतलब ये है कि भाई साहब 60 के बाद कोई भी कंपनी आपको नौकरी पर रखने वाली ही नहीं है। तो 60 के बाद कैसे काम चलेगा, कैसे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे, कैसे मिलेगा रोटी कपड़ा मकान। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, और स्कीम का नाम है प्रोविडेंट फंड। तो होता क्या है, गवर्नमेंट बोलती है इंप्लॉय को भी और इंप्लॉयर को भी कि भाई, पहले इंप्लॉय की बात करता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला इंप्लॉय को, मान लो ये इंप्लॉय है, ए इंप्लॉयर है और बी इंप्लॉय है, ये मालिक है यानी ओनर है, और ये नौकर तो कहना ठीक ही रहेगा यार, इंप्लॉय कहता हूँ उसको, ठीक है ना। तो ए बी को देता है 10,000 रुपये। तो गवर्नमेंट ने बोला, ए मिस्टर ए, क्या बोला, ए मिस्टर ए, इंप्लॉय को 10,000 रुपये मत दो, उसका 10% काट के, यानी 1,000 रुपये काट के उसको सिर्फ 9,000 रुपये दो। यानी पूरे महीने में उसके बनते हैं 10,000, बट बोला 10% काट के सिर्फ 9,000 रुपये दो, और जो 1,000 रुपये तुमने काटे हैं ना, ये 1,000 रुपये उसके पीएफ अकाउंट में जमा कर दो। किसके नाम से, इंप्लॉय के नाम से। इंप्लॉय बोले तो मिस्टर बी, यानी बी के नाम से 1,000 रुपये जमा कर दो। तो होगा क्या, इंप्लॉय को मिलेंगे 9,000 रुपये, वो 9,000 में से पूरा खर्चा करेगा, जैसी इनकम वैसे खर्चा, तो वो 9,000 पूरी इनकम खर्च करेगा। और ये जो 1,000 रुपये इंप्लॉय के जमा कराए ना उसके अकाउंट में, अब जरा ध्यान देना, काट कौन रहा है, मालिक। किसके पैसे में से काट रहा है, इंप्लॉय के पैसे में से काट रहा है। जमा कहां करवा रहा है, पीएफ अकाउंट। किसके नाम से, इंप्लॉय के नाम से, इंप्लॉयर के नाम से नहीं, मालिक के नाम से नहीं, इंप्लॉय के नाम से। इस पर अधिकार किसका है, इंप्लॉय का, अधिकार किसका है, इंप्लॉय का। तो इस केस के अंदर अब मैं आपसे पूछूं, इंप्लॉयर, इंप्लॉय की अर्निंग कितनी है, इंप्लॉय की अर्निंग कितनी, अर्निंग पूरे महीने में कितने पैसे कमाए, तो हम बोलेंगे ग्रॉस अर्निंग है 10,000, नेट अर्निंग है 9,000, 1,000 रुपये चलेगा पीएफ में। क्या बोलेंगे, ग्रॉस अर्निंग है 10,000, नेट अर्निंग है 9,000, 1,000 चलेगा पीएफ में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 1,000 1,000 रुपए धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, उसके ऊपर आप रिटर्न कमाओगे, ये पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगेगा, और धीरे धीरे ये पैसा इतना बड़ा हो जाएगा कि जब आपकी उम्र 60 साल की होगी, ये लमसम पैसा आपको मिल जाएगा। उस लमसम पैसे को बैंक में डालो, और बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट से जिंदगी के मजे ले डालो। यानी 60 साल के बाद इन सिक्योरिटी की टेंशन खत्म। अच्छा, ये तो हुआ जो गवर्नमेंट ने बोला। फिर हुआ क्या, मालिक को भी रियलाइज हुआ कि वाकई में यार मैं तो सिक्योर हूं, मेरा धंधा है, मैं तो सिक्योर हूं, इंप्लॉय का क्या। तो मालिक ने क्या बोला, सुन मेरे भाई बी, 10% तेरा काट के तेरे अकाउंट में जमा करूंगा, लेकिन रुक जा, 1,000 रुपए अपनी जेब से और निकाल कर
तेरे अकाउंट में जमा कर दूंगा। मतलब 1,000 रुपए अपनी जेब से निकाल कर, 1,000 तेरे काटे मैंने, तुझे 9,000 दिए, 1,000 मैंने अपनी जेब से और निकाले, कितने हो गए 2,000। ये 2,000 तेरे पीएफ अकाउंट में जमा कर दूंगा। किसको मिलेंगे 2,000 रुपए का बेनिफिट? तेरे को मिलेगा। किसको मिलेंगे 2,000? तेरे को मिलेंगे। इसका मालिक कौन है पीएफ अकाउंट का? तू है मेरे भाई। क्या लगता है आपको, इंप्लॉय खुश होगा? डेफिनेटली होगा। इंप्लॉय को फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब इस एग्जाम्पल में आपसे मैं पूछूं, बताओ अर्निंग क्या है वर्कर की, तो क्या बोलोगे? ग्रॉस अर्निंग कितनी है? 10,000। नेट अर्निंग कितनी है? 9,000। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, लेबर की कॉस्ट कितनी है इंप्लॉयर को? ध्यान देना जरा, ये होता है वर्कर के व्यू पॉइंट से और ये होता है इंप्लॉयर के व्यू पॉइंट से। लेबर कॉस्ट टू जॉब्स, ये होता है आपका इंप्लॉयर के व्यू पॉइंट से। कितना मिला वर्कर को? 10,000 मिली ग्रॉस अर्निंग, नेट अर्निंग मिली 9,000। मिला तो 9,000 है, ग्रॉस अर्निंग 10,000 है, 1,000 काट के रख लिया एम्प्लॉयर ने, 9,000 मेरे को मिले हैं एज एन एम्प्लॉई। अब बात करता हूं मालिक के व्यू पॉइंट से, बताओ लेबर कॉस्ट कितनी, मालिक ने कितना पे किया? 9,000, 10,000 या 11,000? बताओ आप। तो भाई साहब मालिक ने पे किए हैं 11,000, यानी मालिक की लेबर कॉस्ट है 11,000। तो देखा आपने, इस एग्जाम्पल के अंदर वर्कर की अर्निंग और मालिक की लेबर कॉस्ट डिफरेंट है। क्योंकि भाई ध्यान देना जरा, क्योंकि इस केस में क्या हुआ है, अगर मैं लेबर कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं लेबर कॉस्ट की बात करूं, तो देखो जरा, नेट अर्निंग दी 9,000 रुपए किसको? एम्प्लॉय को। उसके 1,000 दिए पीएफ में और 1,000 खुद की जेब से और दे दिए, तो कुल मिलाकर लेबर कॉस्ट पड़ी 11,000। बात करूं अगर इंप्लॉय की ग्रॉस अर्निंग, ये क्या बोलेगा अपनी बीवी को, देख देख भगवान, बनके तो मेरे 10,000 हैं, लेकिन माय डियर डार्लिंग मुझे मिले हैं सिर्फ 9,000। 1,000 रुपए उसने काटकर मेरे पीएफ अकाउंट में जमा कर दिए हैं, जो कि हमें भविष्य में मिल जाएंगे रिटायरमेंट के टाइम पर। ठीक है, तो ये है जी कॉन्सेप्ट, समझ में आ गई बात? चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अर्निंग ऑफ वर्कर हमेशा लेबर कॉस्ट के बराबर होगी? ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अर्निंग डिफरेंट हो और लेबर कॉस्ट डिफरेंट हो। अर्निंग निकलती है इंप्लॉय के व्यू पॉइंट से और लेबर कॉस्ट निकलती है इंप्लॉयर के व्यू पॉइंट से। इसको चाहे तो आप नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निकालना है अर्निंग ऑफ ए एंड बी एंड एलोकेट करनी है लेबर कॉस्ट टू जॉब एक्स वाई जेड। दो वर्कर हैं जी ए एंड बी। बेसिक वेजेस है वर्कर ए की 100, वर्कर बी की 160। आइए लिखता हूं यहां पर पहला स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग ऑफ वर्कर। दो वर्कर हैं ए और बी। सबसे पहले पे किया गया बेसिक वेजेस, शॉर्ट में लिख दूं बीडब्ल्यू, बेसिक वेजेस 100 दिए गए ए को, 160 दिए गए बी को। फिर इसका दिया हुआ डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता, डीए शॉर्ट में बोलते हैं, डीए डियरनेस अलाउंस 50%। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है 50% ऑफ बेसिक वेजेस, यानी 50-80। इसके बाद गिवन है कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अच्छा, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑन बेसिक वेजेस। ये क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। जिस तरह पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरीके से इंश्योरेंस भी लेते हैं इंप्लॉय के नाम पर। कल कोई इंप्लॉय अगर अचानक से मर गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो उसकी फैमिली को लमसम अमाउंट मिल जाए, ताकि वो सड़क पे ना आए। अच्छा, ये तो डिडक्शन है, यहां पे लिख दूं क्या माइनस के अंदर? यहां लिखता हूं माइनस में कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? 8% ऑन बेसिक अमाउंट। क्वेश्चन में गिवन है ऑन बेसिक अमाउंट, तो 100 का 8 कितना हो जाएगा? 8%, 8 रुपए। 160 का 8%, 12 रुपए 80 पैसे। फिर ईएसआई में दिया है 2%, तो 100 का 2% 2 रुपए और 160 का 2% 3 रुपए 20 पैसे। ठीक है जी, यहां तक मामला ओके। इसके बाद गिवन है ओवर टाइम,
तो यहां पर ऐड करना पड़ेगा मुझे ओवर टाइम। किसको मिलेगा ओवर टाइम की पेमेंट? मिस्टर ए को मिलेगी, बी ने कुछ किया ही नहीं ओवर टाइम, तो ए को मिलेगी। तो आओ निकाल लेते हैं ए की ओवर टाइम। वर्किंग नोट बनाता हूं मैं यहां पर। वन ये वन तो था, वन ही था ना, ऊपर तो एग्जाम्पल था। वर्किंग नोट वही आई, वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम अमाउंट कह लो या प्रीमियम पेमेंट कह लो। तो ध्यान देना, अब नीचे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 घंटे के ओवर टाइम इस तरह लिखा है, तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200। तो यहां पे लिखू नॉर्मल आवर्स कितने थे? 200 घंटे थे पूरे महीने में, ठीक है। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। अंडरलाइन करो जरा, टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। तो मैं पहले निकाल लेता हूं, टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए कितना होगा? तो नॉर्मल वेज मिस्टर एक ही है 100 और डीए है 50, तो ये टोटल कितना हो गया? 150। अच्छा क्वेश्चन ने क्या बोला? ओवर टाइम इज पेड डबल, अंडरलाइन करो वर्ड डबल, अंडरलाइन करो सकले जो मैंने डबल। तो यहां पे निकालू नॉर्मल वेज रेट, निकालो जरा नॉर्मल वेज रेट। कैसे निकालूंगा? 150 रुपए पे किए 200 घंटे के, कितना आ गया? 0.75 पर आवर। ये क्या है? नॉर्मल वेज रेट। अब निकालना है मुझे ओवर टाइम वेज रेट। ओवर टाइम में क्या बोला? डबल, यानी 0.75 का दुगना, तो कितना हो गया ये? 150 रुपए पर आवर। अच्छा मुझे निकालना है ओवर टाइम अमाउंट, तो ध्यान दो जरा, कितने घंटे काम किया ओवर टाइम? 10 घंटे, और क्या रेट है? 1.50। तो कितना पे करा होगा एक्स्ट्रा एज ओवर टाइम, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ओवर टाइम 15 रुपए। सिंपल है वर्किंग नोट नंबर वन, हो रहा है हजम? 15 रुपए इज माई ओवर टाइम, तो लिख दूं यहां पर 15 रुपए। अब जरा ध्यान देना, ये है मेरी ग्रॉस अर्निंग, मेरी मतलब इंप्लॉय की यार, कितनी है? 165 और 240, ओके। और ये है नेट अर्निंग, तो घर पे क्या बोलेंगे दोनों? ये है 155 और ये कितना आएगा? दो सौ चौबीस। यह है नेट अर्निंग, तो घर पे क्या बोलेंगे ये भगवान को? देख भगवान, बनते तो मेरे 165 हैं बट मुझे मिले 155, 10 रुपए मेरे नाम पर मेरे अकाउंट में जमा हो गए। ये बोलेगा मिस्टर ए, और मिस्टर बी क्या बोलेगा? देख भगवान, बनते मेरे 240 हैं बट मिले 224, बाकी जो डिफरेंस है मेरा वो मेरे नाम पर मेरे पीएफ और ईएसआई अकाउंट में जमा हो गया है। तो लो जी, इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट नंबर वन थी अर्निंग ऑफ वर्कर, वो हमने निकाल लिया, तो इसको नोट कर लो आप, अर्निंग ऑफ वर्कर। चले बड़ू में आ गया, अब पढ़ता हूं क्वेश्चन, तो आ रही बाकी क्वेश्चन अभी। कहता है इंप्लॉयर्स, अंडरलाइन करो वर्ड इंप्लॉयर, इंप्लॉयर ध्यान से पढ़ना है, इंप्लॉयर है ना कि इंप्लॉय। इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स, अंडरलाइन करो शब्द इक्वल रेट्स, यानी जितना पैसा इंप्लॉय से काटा गया है उतना पैसा अपनी जेब से मिलाकर इंप्लॉय के नाम पर जमा कराएंगे। तो विद इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर अपनी जेब से उतना पैसा मिलाकर इंप्लॉय के नाम पर जमा कराएगा, ओके। तो आइए अब निकालते हैं लेबर कॉस्ट, क्या निकाल रहे हैं अब हम? लेबर कॉस्ट। तो स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट, इसलिए मैंने कहा था एम्प्लॉय की अर्निंग और लेबर कॉस्ट दोनों डिफरेंट हो सकता है। ध्यान दो जरा, बेसिक वेजेस पे करी हमने इनको, कितनी? 100 इसे पे करी, 160 इसे पे करी। अच्छा डीए इसे पे करा 50, इसे पे करा 80, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दो, अब मैं कुछ खास लिख रहा हूं, इंप्लॉयर्स, यहां इंप्लॉय नहीं लिखा मैंने, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई।
जितना इंप्लॉय से पैसा काटा है उतना ही पैसा अपनी जेब से मिलाकर मिस्टर ए के और मिस्टर बी को देंगे। तो 8 रुपए काटे इसके, 2 रुपए काटे इसके, 12.80 काटे इसके और 3 रुपए 20 पैसे काटे इसके। जोड़ो जरा इसको, कितना आ रहा है? ये है लेबर कॉस्ट विदाउट ओवर टाइम। अब इसमें ओवर टाइम ऐड नहीं किया मैंने, विदाउट ओवर टाइम 160 150 160, ये आ गया 240 प्लस 12 3 15 और 16, 256। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं ओवर टाइम, कितना पे किया ओवर टाइम ए को? 15 रुपये। ये है जी लेबर कॉस्ट, टोटल हो गई 175, और यहां पर ओवर टाइम है नहीं तो 256। दिस इज माई लेबर कॉस्ट। बट क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था? एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई जेड। जो खर्चा हमने किया है ना 175 प्लस 256 का, इसको डिवाइड करना है कि ऑर्डर एक्स पे कितना खर्चा हुआ है, ऑर्डर वाई पे कितना खर्चा हुआ है और ऑर्डर जेड पे कितना खर्चा हुआ है। नोट कर लें फटाफट। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। द टू वर्कर्स वर इंप्लॉयड ऑन जॉब एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। क्या बोलता है? वर्कर ए ने जो काम किया है ना, एक्स पे किया 40%, वाई पे किया 30% और जेड पे किया 30%। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वर्कर ए ने जो भी टाइम लगाया है काम करने के अंदर, उसमें 40% टाइम लगाया एक्स पर, 30% टाइम लगाया वाई पर और 30% टाइम लगाया जेड पर। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने ए को पे किया है एज लेबर कॉस्ट, 40% चार्ज करेंगे एक्स में, 30% वाई में और 30% जेड में। ऐसे होगा वर्कर बी का। अच्छा नीचे कुछ लिखा हुआ है, नीचे लिखा है ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई। ये खास बात है। क्या बोला? कि ये जो ओवर टाइम है ना 15 रुपए का, ये सिर्फ एक ही जॉब पे खर्च हुआ है और उस जॉब का नाम है जॉब वाई। कहने का मतलब है ये 15 रुपए हम डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ जॉब वाई में ऐड कर देंगे। तो आइए करता हूं एलोकेट। तो यहां पे लिखिए स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन टू जॉब्स, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। जॉब ध्यान दो जरा, तीन जॉब है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले वर्कर ए की बात करते हैं। वर्कर ए को पे किए गए हैं टोटल 160 रुपीज विदाउट ओवर टाइम। इसको बांटेंगे हम 40 30 और 30 के रेशियो में, यानी 40%, 30% और 30%। तो कितना आएगा ये? 64 रुपए, 48 रुपए, 48 रुपए। वर्कर ए ने किया है 15 रुपए का ओवर टाइम, ये सीधे सीधे कहां जाएगा? वाई में, ना एक्स में आएगा ना जेड में आएगा। ये खास पॉइंट था। इसके बाद बात करते हैं वर्कर बी की। यहां पे लिख दूं क्या ओवर टाइम? वर्कर बी पे खर्च हुए हैं 256 रुपए और इसको बांटेंगे 50:20:30 के रेशियो में। तो 256 का 50 हो गया आपका 128, 51.20, 76.80। बस ऐड कर दो जी, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका यहां पर कंप्लीट। चलें जी आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और ये है लेबर टर्नओवर रेट। प्यार से मैं शॉर्ट में लिखूंगा LTR, लेबर टर्नओवर रेट। होता क्या है लेबर टर्नओवर रेट, क्यों निकालते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? लेबर माने तो पता ही है, वो व्यक्ति जो हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करता है। टर्नओवर माने,
आप जानते हैं टर्नओवर माने सेल। तो आप बोलोगे, सर हमारी लेबर को बेचने का रेशो है। मेरे भाई, इंसानों को बेचना इलीगल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं इसको, इलीगल काम है ये। लेबर टर्नओवर मतलब यहां पर ये नहीं है कि लेबर को हम बेच रहे हैं, लेबर टर्नओवर का मतलब है लेबर का आना और दिल तोड़ के चले जाना। सर क्या मतलब? एक कंपनी के अंदर जब हम किसी लेबर को नौकरी पर रखते हैं ना, तो हम सपने समझते हैं कि ये कंपनी में आएगा, हम इसको काम सिखाएंगे, ये मेहनत से काम सीखेगा और फिर हमारी कंपनी में दिल लगाकर प्रोडक्शन करेगा, उसको बेचकर हम मुनाफा कमाएंगे। जिस तरह आप सीए बनने के बाद, या हो सकता है अभी भी कुछ लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना रखे, किस उम्मीद के साथ कि ये मेरी लाइफ में आएगी, थोड़ा सा मुझे समझेगी या समझेगा, उसके बाद जिंदगी भर एंजॉय करेंगे, शादी भी कर लेंगे। बट ऐसा हो सकता है ना कि वो दिल तोड़ के चले जाए आपका, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। वैसा ही कंपनी में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कंपनी के अंदर, कि अगर किसी लेबर को इंप्लॉय करना हो ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। हिंदुस्तान में गधे भरे पड़े हैं और गधियां भी। अधिकतर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग कोई काम के नहीं होते। कोई बोले ना मैंने बीकॉम बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बेकार है वो, उसे कुछ नहीं आता। वो कहने ग्रेजुएट है, कहने का वो समझदार है, कहने के लिए बस, कहा ना सिर्फ कहने को, एक्चुअल में है नहीं वो। तो ऐसे प्रॉब्लम के अंदर जहां पर इंडिया में अधिकतर पॉपुलेशन सिर्फ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी लेबर को ढूंढना मतलब भूसे के अंदर सुई ढूंढने के बराबर है। तो कंपनी करना क्या पड़ता है? कंपनी को भैया बहुत खर्च करना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी ऐड डालेगी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, जहां पर कंपनी बताएगी कि हमें एक ऐसा इंप्लॉय चाहिए जिस पे ये क्वालिफिकेशन हो, जिस पे इतना एक्सपीरियंस हो, जिसे ये काम आता हो, जिसे वो काम आता हो, है ना? तो कंपनी ने खर्चा किया, बोलो यस और नो, कंपनी ने खर्चा किया। अच्छा, कंपनी ने खर्चा कर दिया, इंप्लॉय आ गया इंटरव्यू देने के लिए, अब क्या होगा? उसका इंटरव्यू होगा। तो भाई कंपनी क्या करती है, पूरे पैनल का बंदोबस्त करती है। लोग बैठे होंगे वहां पे चार पांच, जो उसका इंटरव्यू कर रहे होंगे, जो पता करेंगे यार इसमें दम भी है कि नहीं है, ये सिर्फ बातों का शेर तो नहीं है, या फिर ये सिर्फ बातों की शेर नहीं है। सर आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, सर आई एम वेरी लॉयल, जॉब की बात कर रहा हूं। तो पैनल बैठा होगा, चेक करेगा क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल चेक करेगा, इंग्लिश बोल के दिखा पाएगा, जैसे सीए वाले केस में क्या होता है, काम करके दिखा भाई, रिटर्न भर के दिखा, बातें मत कर, अकाउंट्स बना के दिखा, ऑडिट करके दिखा, बातें मत कर भाई, तू काम करके दिखा यार, हम तब मारेंगे तुझे, आता है, समझ गए? तो भाई वो पैनल जो बैठा है, जो पांच लोग बैठे हैं, मान लो उन्होंने 5 दिन बहुत सारे कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए, तो उन्हें क्या पे करनी पड़ेगी कंपनी को? सैलरी, ये भी खर्चा है। पहले एड का खर्चा, फिर इंटरव्यू का खर्चा, उसके बाद क्या होगा, वो इंटरव्यू का पैनल लोगों को करेगा फाइनलाइज, सेलेक्ट करेगा कि चलो यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड, कांग्रेचुलेशन, आपको जॉब मिल गई है। अब क्या होगा, अब वो बंदा या फिर वो बंदी फैक्ट्री में आएंगे, ऑफिस में आएंगे, अब क्या होगा, अब चलेगी ट्रेनिंग। अब डेफिनेटली उनको तो मालूम ही है ना कंपनी के अंदर क्या वर्किंग कल्चर है, किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या सीक्वेंस है यहां पर, किसको रिपोर्टिंग करनी है ना, कौन मुझे काम देगा, कौन मेरी लेगा क्लास। तो कंपनी को देनी पड़ेगी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग देने में लगता है 1 महीना 2 महीना। अब उस 1 2 महीने के अंदर काम ठीक से होगा क्या? नया बंदा ठीक से काम कर पाएगा? नहीं, सीख रहा है ना वो तो, अभी वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा, सिखाना पड़ेगा उसको। तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अगर एक नॉर्मल वर्कर 1 महीने में 1000 यूनिट बना सकता है, तो नया वाला बंदा कितनी बना पाएगा? 1000 से कम बनाएगा ना वो तो, वो कहां पूरी बना पाएगा, वो तो नया नया है खुद से, अभी उसे तो कुछ भी नहीं पता, वो तो सीख रहा है अभी खुद, त्या तो बनाएगा कम, कितने बनाएगा, 700 बनाएगा, 800 बनाएगा, 600 बनाएगा, कुछ भी कम तो बनाएगा। तो वो जो कम बना, वो जो कम प्रोडक्शन हुआ, वो कंपनी के लिए क्या है? नुकसान। उतना कंपनी कम बेच पाएगी, उतना प्रॉफिट कम होगा, देख रहे हो? ओके,
अच्छा, जो उसने बनाया है 600-700, क्या परफेक्ट बनाया होगा उसने? उसके चांस भी कम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ना उसके अंदर, वो तो नया नया आया ना यार अभी। आप पहली बार दूध गर्म करो, या तो आप जला दोगे दूध को, या वो उबल के नीचे गिरेगा। पहली बार में तो ऐसा ही होने वाला है, पहली बार कोई समोसे बनाएगा तो समोसे काले कर देगा, या तो बहुत ज्यादा सेक देगा या कच्चे रख देगा। तो पहली बार तो बनाया भी कम, और जो बनाया उसमें भी गलती है। अब जो गलती है ठीक करने फिर खर्चा होगा कंपनी का, बाप रे कितने खर्चे हैं कंपनी के, इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। अब हुआ क्या, इंटरव्यू का ऐड डाला, इंटरव्यू लिया, ट्रेनिंग दी, घटिया प्रोडक्शन को सहा, उसके बाद जाके बंदा ट्रेंड हुआ। हमने बोला मिस्टर राम आज पूरे 2 महीने हो गए हैं, आज तुम पूरी तरीके से ट्रेंड हो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए। तभी मिस्टर राम बोला, सर मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूं, कैसा लगेगा? दिल टूट जाएगा। इतना खर्चा करने के बाद भी साले को जाना है? मुझे कौन सी कंपनी में जाना है भाई, है यहां बैठ क्यों नहीं जाता, कौन सी कंपनी में जाना है तेरे को? तो हुआ क्या, हम उसे रोक सकते हैं क्या? 1 मंथ का नोटिस दे देगा, और क्या दे देगा, रोक नहीं सकते उसको हम। तो कुल मिलाकर लेबर टर्नओवर बोलते हैं इसको, इंप्लॉइज का आना और चले जाना, आना और चले जाना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंप्लॉय अगर बार बार आता है और बार बार चले जाता है तो कंपनी के लिए बड़ा दुखदायी है, कंपनी का नुकसान बहुत होता है इसके अंदर, कंपनी के खर्चे बहुत होते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इंटरव्यू पैनल कॉस्ट, उसके अलावा प्रोडक्शन घटिया बनाया रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कम बनाया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 400 यूनिट कम बनाई है कम वक्त ने, 400 कम बनी तो कम बेची, कम बेची तो कम मुनाफा, समझ गए? इसीलिए कंपनी लेबर टर्नओवर रेट निकालती रहती है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, सेमी एनुअली, डेली। तो कंपनी चाहती है कि हमारी कंपनी के अंदर लेबर टर्नओवर रेट कम हो। लेबर टर्नओवर रेट कम होने का मतलब है इंप्लॉय सेटिस्फाइड है, हमें अपनी कंपनी में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको, किसी कंपनी के अंदर लेबर टर्नओवर रेट है मान लो 80%, क्या मतलब? इसका मतलब है अगर कंपनी में 100 इंप्लॉय हैं तो ऑन एन एवरेज 80 इंप्लॉय कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, क्या समझे यार? 80% इंप्लॉय कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, या तो कंपनी सैलरी टाइम पे नहीं कर रही है, या कंपनी प्रमोशन टाइम पे नहीं कर रही है, या कंपनी का इन्वायरमेंट खराब है, वर्किंग एनवायरमेंट, वहां पे गाली गलौज होती है, माँ बहन की गालियां भी आती हैं, समझ रहे हो? तो इस रेट को देखकर कंपनी सोचती है कि भाई कुछ गड़बड़ है क्या हमारी कंपनी के अंदर, ये लोग सारे भाग क्यों रहे हैं? तो कंपनी उस पर ध्यान देती है। किसी कंपनी की लेबर टर्नओवर रेट मान लो 2% है, बहुत बढ़िया यार, मतलब 100 में से कोई 2 लोग हैं, 98 तो पुराने रहेंगे हमेशा, एक्सपीरियंस रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे। तो ये है हमारी लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट को निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो आइए पहले हम कुछ बातें लिख लेते हैं, कुछ शब्दों के मतलब लिख लेते हैं। तो लेबर टर्नओवर मतलब होता क्या, पहले लिखो लेबर, अब लिखते हुए चलना है। लेबर टर्नओवर मींस चेंज, मींस चेंज इन वर्क फोर्स ऑफ कंपनी, यानी लोगों का आना चले जाना। अब जरा ध्यान देना, इसमें चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब है इन और आउट, या तो कंपनी में आए या कंपनी से चले गए। अच्छा, कंपनी से जाने के ना 2 रीजन होते हैं, दो ही तरीके, दो ही रीजन है इसके। एक तो क्या है, खुद चले गए, इंप्लॉय को मिल गई बेटर अपॉर्चुनिटी, नौकरी छोड़कर चला गया खुद, है ना? इंप्लॉय की एज हो गई 60 साल, छोड़कर चला गया खुद, एक तरीके का खुद चले गए। दूसरा क्या है, हमने भगा दिया, हमने भगा दिया। हमने क्यों भगा दिया भाई, ढंग से काम ही नहीं करता यार, चलो यू आर फायर्ड,
तो जाने के दो तरीके, खुद चले जाओगे या मैं भगाऊंगा एज एन एम्प्लॉयर, या तो खुद चले गए या कंपनी लात मार दी पीछे, चलो निकम्मो काम तो करते नहीं हो। अच्छा, कंपनी में आने के दो तरीके या दो रीजन होते हैं। पहला क्या, जो लोग कंपनी से चले गए उनके बदले नए लोगों को लेके आना, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ आउट एम्प्लॉयज, रिप्लेसमेंट ऑफ आउट एम्प्लॉयज, है ना। जो लोग या तो खुद चले गए या हमने लात मार के भगा दिया, उनके बदले नए बंदों को लेके आना, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट। शब्दों पर ध्यान दो, इंप्लॉय चला गया खुद या हमने भेजा, उसके बदले नए बंदे को लेके आना कहलाता है रिप्लेसमेंट। दूसरा है फ्रेश रिक्रूटमेंट, फ्रेश रिक्रूटमेंट, फ्रेश रिक्रूटमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी का काम बढ़ जाए, कंपनी के ऑर्डर बढ़ जाएं, कंपनी के ऑर्डर बढ़ने के वाले केस के अंदर भी भले ही कोई इंप्लॉय छोड़ के ना गया, हमें नए इंप्लॉय रखने पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। आ रही है बात समझ में, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। अब जरा ध्यान दो, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, हम रिप्लेसमेंट, इंप्लॉयज के बदले नए इंप्लॉयज को लाना कहलाता है रिप्लेसमेंट। इसे टेक्निकली बोलते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट, क्या बोलते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट, ठीक है। अच्छा, खुद चले गए, खुद चले गए, ध्यान देना जरा, खुद चले गए क्या केस बनेंगे, या तो होगा रेजिग्नेशन, या तो होगा रेजिग्नेशन, या होगा रिटायरमेंट, और इसको लेफ्ट भी कहते हैं, लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हमने भगा दिया तो बोलेंगे रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट और रिट्रेंचमेंट और डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट और डिस्चार्ज, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर टेक्निकली बोलते हैं सेपरेशन, क्या बोलते हैं सेपरेशन, क्या बोलते हैं सेपरेशन। इन्हें क्या बोलते हैं सेपरेशन, दोनों को मिलाकर। यहां तक बात समझ में आई, चलो पहले यहां तक नोट कर लो, आपको देता हूं 1 मिनट फिर आगे बढ़ते। ठीक है, देखो सेपरेशन मतलब क्या, क्वेश्चन अगर बोले निकालो सेपरेशन, हम क्या बोलेंगे, रेजिग्नेशन प्लस रिटायरमेंट प्लस लेफ्ट प्लस रिट्रेंचमेंट प्लस डिस्चार्ज, इन पांचों को ऐड करने पे जो आता है उसे बोलते हैं सेपरेशन। फ्रेश रिक्रूटमेंट का मतलब है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, और रिप्लेसमेंट का मतलब है पुरानों के बदले नए बंदों का आना। आइए अब आपको लिखाता हूं मेथड्स लेबर टर्नओवर रेट को निकालने की, तो ध्यान दो जरा, लेबर टर्नओवर रेट LTR अंडर सेपरेशन मेथड। पहले मेथड का नाम क्या है, सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड। इसको निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशंस, पूरे साल में कितने लोग कंपनी से गए, चाहे वो खुद गए हो चाहे हमें लात मारी, सबको जोड़कर उसे बोलेंगे नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गुना 100।
सेपरेशन मतलब क्या? सेपरेशन मतलब रेजिग्नेशन प्लस रिटायरमेंट प्लस लेफ्ट प्लस रिट्रेंचमेंट प्लस डिस्चार्ज। यह है मेरा नंबर ऑफ सेपरेशन निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, मुझे निकालना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या फॉर्मूला है इसका, सोच के बताओ भाई। वर्कर्स एट द बिगिनिंग, वर्कर्स एट बिगिनिंग यानी साल के शुरू में कितने वर्कर थे? कोई बोलता मान लो 100 थे, ओके। प्लस साल के आखिरी में कितने थे वर्कर्स एट एंड? कोई बोलता मान लो 200 थे। तो भाई 100 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये था पहला मेथड, लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड। इसे क्या बोलते हैं हम, लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड। आगे बढ़े, मेथड नंबर टू, लेबर टर्नओवर रेट अंडर रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग गए हैं उनके बदले नए बंदों को कंपनी में नौकरी देना। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गुना 100, वर्कर्स गुना 100। ठीक है जी, यह है मेथड नंबर टू। ध्यान देना, रिप्लेसमेंट के अंदर फ्रेश रिक्रूटमेंट को मत ऐड कर देना। फ्रेश रिक्रूटमेंट का मतलब है रिक्रूटमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन, हमारा काम बढ़ गया है उसकी वजह से नए बंदे आ रहे हैं, और यहां पर वजह क्या है, पुराने बंदों का चले जाना। अगला मेथड है लेबर टर्नओवर रेट अंडर एक्सेशन मेथड। लेबर टर्नओवर रेट अंडर एक्सेशन मेथड, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सेशंस डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गुना 100। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये एक्सेशन वर्ड तो आपने बताया नहीं, इसका मतलब क्या है? एक्सेशन का मतलब क्या है सर? तो एक्सेशन का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट। समझ गए, यानी कैसे भी आए, वजह कुछ भी हो, बस कंपनी में आ रहे हैं ना, कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो उसी को बोलते हैं एक्सेशन। तो रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, एक्सेशन। ये था मेथड नंबर तीन। अभी एक और मेथड है, अभी एक और मेथड है। अब लिखो लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड। अब जरा ध्यान दो, इसमें दो केस हैं, एक होगा केस वन और एक होगा केस टू। अब इसको करवाने से पहले, नहीं पहले मैं करवाता हूं फिर बताऊंगा आपको ट्रिक। देखो ट्रिक बताना मेरी खासियत है ताकि एग्जाम में गलती ना हो आपसे। केस वन, पहले तो प्यार से मैं इसे बोलता हूं फुल मेथड। पहले ट्रिक बताता हूं यार, मैं इसे प्यार से क्या बोलता हूं, फुल मेथड। ये फुल वर्ड किसने दिया? मैंने दिया। क्या मतलब है फुल मेथड का? फुल मेथड का मतलब है सब कुछ जोड़ दो। लेबर टर्नओवर रेट अंडर फुल मेथड, तो मतलब क्या है इसका? आओ जरा केस टू। तो मैं अगर यहां पे लिखूं नंबर ऑफ सेपरेशंस, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट प्लस डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गुना 100। इसे मैं क्या बोलता हूं, लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड। मैंने फुल क्यों बोला, अब बताओ फुल क्यों बोला मैंने?
सब कुछ जोड़ दिया ना मैंने इसके अंदर, सेपरेशन भी जोड़ दिया, रिप्लेसमेंट भी जोड़ दिया, फ्रेश रिक्रूटमेंट जोड़ दिया। इसको प्यार से मैं ऑल मेथड भी कह सकता था, सबको ऐड कर दो, बट मैंने फुल की बोला ताकि आपको याद रहे, एफ से फुल, एफ से फॉर फ्लक्स। अच्छा इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस, यस और नो? भाई आपको तो पता ही है ना कि रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट को टेक्निकली क्या बोलते हैं हम, एक्सेशन। ये है मेरा केस टू। आपके मन में आ रहा है सर केस टू अगर ये है तो केस वन क्या है फिर? तो ध्यान देना, केस वन व्हेन, देखो जरा, व्हेन फ्रेश रिक्रूटमेंट, व्हेन फ्रेश रिक्रूटमेंट इज नॉट कंसीडर्ड, ये है मेरा केस वन। अगर फुल मेथड के अंदर लेबर टर्नओवर रेट निकालते वक्त फ्रेश रिक्रूटमेंट को मैं कंसीडर ना करूं तो उसे बोलते हैं केस वन। तो फॉर्मूला क्या बचेगा मेरा, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गुना 100। लो जी केस वन क्या है, व्हेन फ्रेश रिक्रूटमेंट इज नॉट कंसीडर्ड। अब मैं आपसे पूछू केस टू क्या था फिर, केस टू था व्हेन फ्रेश रिक्रूटमेंट इज कंसीडर्ड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर एग्जाम में क्या करना है मेरे को, मुझे केस वन से निकाला या केस टू से? तो जवाब है दोनों से। क्वेश्चन अगर अपने मुंह से ना बताए आप दोनों से निकाल दो। समझ गए, इसे नोट कर लो। अभी हल्का सा कॉन्सेप्ट और बाकी है इसमें लिखवाना, इसको नोट कर लो पहले आप। चले आगे, चलो जी अब लिखो इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर शॉर्ट में लिख दिया मैंने रेट। अब ये क्या होता है सर, लेबर टर्नओवर रेट निकालना सिखा दिया आपने, तो फिर ये क्या है भाई? ये है इक्विवेलेंट एनुअल, मतलब साल के बराबर। हाँ हाँ ऐसा ही कुछ है। ओ एग्जाम्पल लो, समझ जाओगे आप। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, मुझे गिवन है लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड। मान लो एक मिनट, मुझे गिवन है लेबर टर्नओवर रेट, मान लो 5% मंथली, यानी मैंने मंथली बेस पे निकाला, वर्कर्स एट द बिगिनिंग, वर्कर्स एट द एंड डिवाइड बाय 2 एवरेज नंबर, और मैंने मंथली बेस पे निकाला लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड, कितना आ गया मेरा 5% आ गया मान लो। अब क्वेश्चन मुझे बोलता है बता मेरे भाई इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट, साल के बराबर में कन्वर्ट कर, मंथली है ये, तो क्या करूंगा सिंपल 5% गुना 12 महीने, साल में कितने होते हैं 12 महीने, कितना आ जाएगा ये 60% पर एनम। बस यही होता है इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट, यानी जो भी लेबर टर्नओवर रेट दे रखी है आपको उसको एनुअल में कन्वर्ट कर दो, उसको एनुअल में कन्वर्ट कर दो। जैसे क्वेश्चन मान लो मुझसे बोलता है 1% वीकली है लेबर टर्नओवर रेट, क्या बोला क्वेश्चन ने 1% वीकली है, तो मैं क्या बोलूंगा आप 1% और पूरे साल में होते हैं कितने 52 वीक्स, पूरे साल में होते हैं 52 वीक्स, कितना परसेंट हो जाएगा ये 52%।
सिंपल, साल में कन्वर्ट कर दो। मुझे क्वेश्चन ने बोला लेबर टर्नओवर रेट है 5% क्वार्टरली, एनुअल कितना? तो मैं क्या बोलूंगा, 5% पूरे साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो ये हो गया 20%। क्वेश्चन मुझे बोलता है 1% डेली है ये, तो क्या बोलूंगा, 1% और पूरे साल में 365 डेज, कितना हो गया ये 365%। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्या लेबर टर्नओवर रेट 100% से ज्यादा हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। तो कुल मिलाकर लेबर टर्नओवर रेट को एनुअल लेबर टर्नओवर रेट में कन्वर्ट करना ही कहलाता है इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। बढ़ू आगे, इसको नोट कर लो। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो पूरा हो चुका है, बस कुछ नोट लिख लो, दो नोट, पहला और दूसरा। क्वेश्चन अगर मुझसे बोले निकालो वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, क्वेश्चन अगर मुझसे बोले निकालो वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, तो क्या निकालना है? और क्वेश्चन अगर मुझसे बोले निकालो वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, तो क्या निकालना है? ध्यान देना, बोले रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट तो निकालना है आपको एक्सेशन। क्या मतलब होता है एक्सेशन का? इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट। अच्छा, क्या मतलब है लेफ्ट एंड डिस्चार्ज का? तो इसका मतलब है निकालना है सेपरेशन। बस यही थे जी दो नोट। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया कंप्लीट। अब करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। इसे नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन। चलो जी बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर, अंडरलाइन करो वर्ड क्वार्टर, एंडेड 31 मार्च 2016 एज 10%, 5%, 3% अंडर फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड। इसका मतलब क्या है? मुझे क्या गिवन है? लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड कितनी है? 10%। अच्छा, लेबर टर्नओवर रेट अंडर रिप्लेसमेंट मेथड कितनी है? रिप्लेसमेंट मेथड यह है 5%। अच्छा, लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड कितनी है? 3%। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब मुझे बताओ फ्लक्स मेथड वाली रेट में फ्रेश रिक्रूटमेंट कंसीडर्ड है या नहीं है? फ्लक्स मेथड वाले रेट के अंदर फ्रेश रिक्रूटमेंट कंसीडर्ड है या नहीं है? तो आंसर है, जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ नहीं होता तो 5 + 3 ये होना चाहिए था 8%, लेकिन ये 10% है। इसका मतलब क्या है? यहां पर फ्रेश रिक्रूटमेंट को कंसीडर किया गया है। समझ गए जी कौन सा वाला केस है ये? केस नंबर 2। यहां पर फ्रेश रिक्रूटमेंट को कंसीडर किया गया है। व्हेन फ्रेश रिक्रूटमेंट इज कंसीडर, तीनों आता है सेपरेशन रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि 5 + 3 8% नहीं है, 8 से ज्यादा है, तो 2% क्या है मेरा? फ्रेश रिक्रूटमेंट। चलिए
इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, मुझे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग दैट क्वार्टर इज 30. अच्छा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, तो मुझे क्या निकालना है, टैक्सेशन. वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, तो मुझे क्या निकालना है, सेपरेशन. और उसके मुझे निकालना है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट फॉर द ईयर. बेसिकली आप बोल रहा है इक्विवेलेंट एनुअल, ठीक है ना, फॉर द ईयर मतलब एनुअल. ओके, आइए अब क्वेश्चन को करते हैं. देखो क्वेश्चन है, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है लेबर टर्नओवर रेट अंडर रिप्लेसमेंट मेथड. फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. शॉर्ट में लिख रहा हूं एवरेज वर्कर्स, इसका मतलब क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. अच्छा कितना गिवन है, 30 गिवन है. तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके मैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकता हूं? आंसर इज यस. कितना आ जाएगा ये, 600. आंसर शुरू हो रहा है यहां से, ऊपर वाला पार्ट समझाने के लिए था. ठीक है, 600 आ गया मेरा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. आगे बढ़ता हूं, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक तो सेपरेशन, एक एक्सेशन, और उसके बाद इक्विवेलेंट. अच्छा मुझे क्वेश्चन में गिवन है लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड, और कितना है ये, 3%. फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. तो नंबर ऑफ सेपरेशन, एवरेज नंबर वर्क कितना है, 600. तो 600 आ जाएगा ऊपर की तरफ, 600 का 3% कितना हो जाएगा, 18. तो लो जी, रिक्वायरमेंट नंबर दो वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज निकाल लिया है. रिक्वायरमेंट नंबर दो, आइए अब इसके बाद निकालेंगे रिक्वायरमेंट नंबर वन. मुझे क्या गिवन है, लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड कितना है, 10%. और मुझे बताइए कौन से वाला मेथड है, ये वो वाला फ्लक्स मेथड है जहां पर फ्रेश रिक्रूटमेंट को भी कंसीडर किया गया है. इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन. क्यों, फॉर्मूला यही है, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर. कितना है सेपरेशन, 18. एक्सेशन मुझे निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 600. तो एक्सेशन बराबर क्या हो गया, 600 का 10% माइनस 18, ये आ गया 42. तो लो जी, रिक्वायरमेंट नंबर वन मुझे क्या निकालना था, वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, तो मैंने निकाल दिया. रिक्वायरमेंट नंबर वन सॉल्व हो गई यहां पर. बढ़े आगे, रिक्वायरमेंट नंबर तीन मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्वार्टरली गिवन है तो मैं क्या लिखूंगा, लेबर टर्नओवर रेट फॉर क्वार्टर गुना 4. साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4. तो लेबर टर्नओवर इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट एनुअल, तो पहला कौन सा है, फ्लक्स मेथड. कितना है, 10% गुना 4, कितना आ गया, 40%. उसके बाद अंडर रिप्लेसमेंट मेथड, अंडर रिप्लेसमेंट मेथड कितना है, 5%. तो 5 गुना 4 कितना आ गया, 20%. फिर इसके बाद है अंडर सेपरेशन मेथड, कितना, 3%. तो 3 गुना 4 कितना आ गया, 12%. लो जी, रिक्वायरमेंट नंबर तीन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो
कंप्लीट। तो कैसा लग रहा है जी कॉन्सेप्ट, आ रहा है मजा? ये था क्वेश्चन नंबर दो। अब चलते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आओ जी क्वेश्चन नंबर 7। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड लेबर फ्लक्स रेट। कुल मिलाकर वही बोल रहा है, अंडर सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, एक्सेशन मेथड, फ्लक्स मेथड। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 1/1/2013, ये क्या है? वर्कर्स एट द बिगिनिंग 7,600, नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2013, ये क्या है? वर्कर्स एट द एंड। तो क्या मैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकता हूं? तो भाई 7600 प्लस 8,400 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? ये 8,000, 8,000 से निकाला मैंने। यस 8,000। ओके, कहता ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट वाइल 320 वर डिस्चार्ज। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ नंबर ऑफ सेपरेशंस, क्या क्या ऐड करोगे? हम दोनों ऐड करेंगे, 80 खुद चले गए और 320 को हमने लात मार दी, कुल कितने हो गए? 400। ठीक है जी। फिर बोलता है 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑफ दीज 300 वर्कर्स वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट एंड रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेंशन प्लान। हमने 1500 लोगों की हायरिंग करी है, जिनमें से 300 लोग तो क्या है? रिप्लेसमेंट। तो यहां पे लिखो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना? 300। कैसे पता लगा? लिखा है रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट। अच्छा, नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट, फ्रेश बोले तो ड्यू टू एक्सपेंशन कितना है? यह है आपका 1500 माइनस 300 यानी 1200। ठीक है जी, यहां तक क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अच्छा मैं अगर निकालना चाहूं लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो भाई 400 है सेपरेशन और एवरेज है 8,000 गुना 100, ये आ गया आपका 5%। तो लो जी ये है लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड। चलो आगे, चलो अब निकालता हूं लेबर टर्नओवर रेट अंडर रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एवरेज कितना है? 8,000। रिप्लेसमेंट कितना था? 300। तो 300 बटा 8,000 ये आ गया 3.75%। अब निकाल लेता हूं लेबर टर्नओवर रेट अंडर एक्सेशन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है जी? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एफ आर। एफ आर बोले तो फ्रेश रिक्रूटमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर गुना 100। तो रिप्लेसमेंट कितना? 300 और फ्रेश कितने? 1200। ये कितना? 8,000 गुना 100 कितना आ गया? ये 18.75%।
अब निकालना है मुझे लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड। तो लिखा लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड। क्या कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं केस वन फ्रेश रिक्रूटमेंट इज नॉट कंसीडर्ड। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गुना 100। सेपरेशन कितना है, नंबर ऑफ सेपरेशन 400, रिप्लेसमेंट है 300, तो 400 प्लस 300 डिवाइड बाय 8000 कितना आ गया, ये 8.75%। यह केस वन। आओ भाई केस टू, फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑल्सो कंसीडर्ड। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट। फ्रेश रिक्रूटमेंट मैंने शॉर्ट में लिखा एफ आर, तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर गुना 100। तो सेपरेशन कितना 400, रिप्लेसमेंट 300, फ्रेश रिक्रूटमेंट 1200 डिवाइड बाय 8000 गुना 100। परसेंटेज आप निकाल लेना, 1200 है ना मेरा फ्रेश रिक्रूटमेंट, यस 1200 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया जी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसके बाद करते हैं, हाँ आओ भाई इसके बाद करेंगे हम, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। आओ जरा आओ क्वेश्चन नंबर 28। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट बाय रिप्लेसमेंट मेथड एट 3% फॉर द क्वार्टर क्वार्टर एंडेड जून 2015। ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ 40 वर्कर्स वॉज मेड। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ क्वार्टर वॉज 990 एंड 1010 रेस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट बाय सेपरेशन एंड फ्लक्स मेथड। तो लो भाई साहब सबसे पहले निकालो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, क्वार्टर के शुरू में थे 990, आखिरी में थे 1010 बटा 2, कितना है एवरेज 1000। मुझे दे रखा है नंबर ऑफ, मुझे दे रखा है लेबर टर्नओवर रेट अंडर रिप्लेसमेंट मेथड। तो ध्यान दे जरा, मुझे दे रखा है लेबर टर्नओवर रेट अंडर रिप्लेसमेंट मेथड, और ये कितना रेट है, ये रेट है आपका 3%। फॉर्मूला क्या होता है जी, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर तो है, तो रिप्लेसमेंट निकाल लूंगा मैं, 1000 का 3% यानी 30 वर्कर, यह है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। अच्छा एक खास बात है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दो जरा, पहले यहां पर नोट कर लो, मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में सेपरेशन
मेथड वाला रेट है ना, हाँ सेपरेशन मेथड। तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ सेपरेशन। अब जरा ध्यान दो, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सेपरेशन निकालने का इक्वेशन। ध्यान देना जरा, साल के शुरू में कितने वर्कर्स थे, वर्कर्स एट द बिगनिंग है ना, कितने आए कितने गए, बराबर क्या होता है कितने साल के आखिरी में बचे। समझा पा रहा हूं मैं आपको अपनी बात, रुको जरा इसे और सिंपल करता हूं, इसे और सिंपल करते हैं। वर्कर्स एट द बिगिनिंग, साल के शुरू में इतने वर्कर्स थे, अच्छा कितने आए, क्या क्या होगा आने पर। आने का मतलब है, एक तो है फ्रेश रिक्रूटमेंट, एक तो मतलब यह है आने का फ्रेश रिक्रूटमेंट है ना, और एक मतलब है रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो साल के शुरू में कितने थे, फिर कितने आए, फ्रेश रिक्रूटमेंट रिप्लेसमेंट माइनस कितने गए, यानी कि नंबर ऑफ सेपरेशन बराबर होगा वर्कर्स एट द एंड। बोलो यस और नो, सिंपल है। अच्छा कितने थे साल के शुरू में, मतलब क्वार्टर के शुरू में कितने थे, 990, आखिरी के दे रखे हैं 1010। अच्छा रिप्लेसमेंट मैंने अभी निकाला कितना है, 30। अच्छा फ्रेश रिक्रूटमेंट क्या क्वेश्चन में गिवन है, फ्रेश रिक्रूटमेंट 40। तो लो भाई, क्या आप सेपरेशन निकाल लोगे, नंबर ऑफ सेपरेशन कितने। तो भाई सेपरेशन बराबर कितना हो गया, 990 प्लस 40 प्लस 30 माइनस 1010, ये आ गया मेरा 50। अब निकालो लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर ये लाल आ जा भाई, इस क्वेश्चन के अंदर बस यही वाली जो इक्वेशन थी ना, जो एक बेसिक इक्वेशन है कि साल के शुरू में कितने हैं, कितने आए यानी प्लस, कितने गए यानी माइनस, और कितने बचे हैं, यही मेन था। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर गुना 100, यानी 50/1000 गुना 100 यानी 5%। 5% है मेरी लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड। अब मुझे बोला है क्वेश्चन निकालो लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड, यहां तक नोट कर लो आप, लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड, लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड। इसके दो केस हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट नॉट कंसिडर्ड, फ्रेश रिक्रूटमेंट कंसिडर्ड। तो केस वन, केस टू, फ्रेश रिक्रूटमेंट शॉर्ट में लिखा मैंने, फ्रेश रिक्रूटमेंट नॉट कंसीडर्ड, और सेकंड है फ्रेश रिक्रूटमेंट आल्सो कंसीडर्ड, एफ आर बोले तो फ्रेश रिक्रूटमेंट लिखा मैंने शॉर्ट के अंदर, क्या लिखा मैंने शॉर्ट में, फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो फॉर्मूला क्या होगा यहां पर, नंबर ऑफ सेपरेशन बताओ प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर गुना 100। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट, एफ आर बोले तो फ्रेश रिक्रूटमेंट डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, यही है ना। सेपरेशन कितना, 50 है ना, फ्रेश रिक्रूटमेंट। अच्छा रिप्लेसमेंट कितना निकाला था, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट दिया था 30, नहीं निकाला था, निकाला था रिप्लेसमेंट एरा 30, रिप्लेसमेंट है 30। अच्छा फ्रेश रिक्रूटमेंट है मेरा 40 जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाई 1000 गुना 100, कितना आ गया, ये 5 3 8 4 12, तो ये आ गया आपका 12%। अब यहां पे निकालो सेपरेशन कितना,
50, रिप्लेसमेंट कितना 30, डिवाइड बाई 1000 गुना 100, कितना आ गया ये 8%। दोनों केस में निकाल दिया मैंने, नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 28 तो आपका यहां पर हो गया है कंप्लीट। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा मजा आ रहा है। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, उस पर क्वेश्चन तो आज नहीं कर पाएंगे अपन, बट कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही सकते। एक कॉन्सेप्ट होता है हेडिंग दो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, इसी को प्यार से बोलते हैं। इसका एक और नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं पीवी रेशियो। आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो एक कंपनी की सेल्स है 1 लाख रुपए, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है 80,000 रुपए। अच्छा, वेरिएबल में ना सब कुछ आ गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, सब कुछ आ गया। ओके, और थोड़ा स्पेस देके यहां पे लिखना, 1 मिनट रुक जाओ, अभी ना आप लिखना मत इसको, मैं बताऊं कब लिखना है आपको। तो अभी हाँ, यहां पे लिखा मैंने माइनस फिक्स कॉस्ट। मान लो ये है 10,000 रुपये, तो प्रॉफिट आ गया आपका 10,000 रुपये, ठीक है। वो सिंपल है यार, सेल्स है 1 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 80,000 रुपए और फिक्स कॉस्ट है 10,000 रुपये। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने पर बढ़ेगी, प्रोडक्शन के घटने पर घटेगी, और फिक्स कॉस्ट मतलब तो फिक्स रहेगी, है ना, फिक्स कॉस्ट मतलब तो फिक्स रहेगी। मान लो इस कंपनी की सेल्स हो गई 2 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? जब सेल्स दुगनी हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? दुगनी, 1,60। फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? ये तो सेम ही रहेगी ना, इसका नाम ही क्या है, फिक्स कॉस्ट। कितना प्रॉफिट? तो ये आ गया आपका 2 माइनस 1,60 माइनस 10, ये आ गया 30,000 रुपये। सही निकाला, 30,000 रुपये ये निकाला मैंने, 30,000 रुपये, ठीक है। 2 लाख माइनस 1,60 माइनस 10, ये आ गया मेरा 30,000 रुपये, सिंपल सी बात। अच्छा जी, ध्यान दो जरा, ध्यान दो जरा, मैं बात करता हूं अब डिफरेंस की, मैं बात करता हूं अब डिफरेंस की। 1 लाख और 2 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 लाख। अस्सी हजार वेरिएबल कॉस्ट और 1,60,000 वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस कितना है? 80,000। 10,000, 10,000 फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस कितना है? 0। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया? 20,000। यहां पर समझने की बात यह है कि फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट इंक्रीज इन प्रॉफिट में है ही नहीं। फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट इंक्रीज इन प्रॉफिट में है ही नहीं। अब जरा ध्यान दो, टेक्निकल शब्दों के अंदर ये जो वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन है 20,000 और यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन है 40,000 और यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन है 20,000। इसका मतलब क्या है? जो ये आपकी
डिफरेंस निकाली मैंने, इसने क्या बोला, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। समझ में आई बात? कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म के अंदर, अब जरा ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन, इन लॉन्ग टर्म पीरियड, इन लॉन्ग टर्म पीरियड कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट सिंस फिक्स कॉस्ट इज जीरो। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स का मतलब होता है, एक तो बात इसने क्या बोल दी कि लॉन्ग टर्म में फिक्स कॉस्ट का प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट शुरू में होता है, बट जब सेल्स बढ़ती जाती है, सेल्स बढ़ती जाती है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, तो भाई फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। तो कहने का मतलब सेल्स के बढ़ने से, वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, जो इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन है, वही बन जाता है आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के अंदर। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स का मतलब क्या होता है? तो भाई कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स को मैं क्या प्यार से प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो कह सकता हूं, प्रॉफिट टू वॉल्यूम, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन बिकम्स प्रॉफिट, इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स को बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और सेल्स से मेरा मतलब होता है सेल्स वैल्यू इन रुपीज, इन रुपीज। तो नाम जस्टिफाइड हो गया। अच्छा, पीवी रेशो को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई पीवी रेशो को निकालने का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स गुना 100। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई, हो गया सेल्स गुना 100। इसका मतलब क्या है सर, ये तो फॉर्मूला बता रहे हो आप, तो ध्यान देना। अगर मैं बोलता हूं किसी प्रोडक्ट ए का पीवी रेशो 20% है, इट मींस अगर सेल्स है 100 रुपए, तो कंपनी इस पे कॉन्ट्रीब्यूशन कमाएगी 20 रुपए का, और लॉन्ग टर्म के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन इज बिकम्स प्रॉफिट, यानी लॉन्ग टर्म के अंदर फिक्स कॉस्ट को डिसीजन में कंसीडर करना बेकार है। मान लो मैंने एक बहुत बड़ी जमीन दिल्ली में खरीद ली है, मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कॉस्ट इनकर कर चुका हूं, अब फ्यूचर में उस जमीन पर स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, अपना घर बनाना है, इसके अंदर उस जमीन की कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के अंदर यह ऐसा मानता है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। और कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो को क्यों बोला गया प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो, जस्टिफाई कर दिया, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन बिकम्स प्रॉफिट एंड सेल्स मीन्स सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज, सेल्स वैल्यू इन रुपीज। ठीक है ना? अच्छा, क्या लिखा है मैंने, पीवी रेशो बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन बटा सेल्स गुना 100। एक तरीका और है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर सेल्स गुना पीवी रेशो। क्यों? किसी क्वेश्चन में अगर मेरे को सेल्स दिया हुआ हो और पीवी रेशो दिया हुआ हो, तो मैं डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं। जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो था 20%, क्या था 20%, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो मेरे वाले इस एग्जाम्पल में था 20%। कैसे बोला मैंने, देखो 1 लाख का 20% 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 लाख का 20% 40,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन, 1 लाख का 20% 20,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये मेरे एग्जाम्पल का कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो था।
समझ गए आप? तो ये था कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है एक बात तो ये कि लॉन्ग टर्म के अंदर फिक्स कॉस्ट का प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं होती है। और दूसरा ये बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स, और कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को, उसके बाद क्लास साइन ऑफ कर देंगे। हो गया नोट? चलिए तो आज की क्लास का टाइम हो चला है, क्लास को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू।